हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। आज राधानाथ स्वामी महाराज का तिथि अनुसार आज उनका जन्मदिन है या अपियरेंस डे जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसे तो हम रोज भागवत कथा करते ही हैं और प्रभुपाद लीलामृत भी सुनते ही हैं, तो आज मैंने सोचा क्योंकि महाराज का आविर्भाव दिवस है तो कुछ दो शब्द महाराज के बारे में चर्चा करना चाहिए और महाराज के जो शिक्षण है उस पे आज थोड़ा मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो जैसे हमने सभी आचार्य गणों के लिए बताया है कि कैसे जो है जिन आचार्यों का जब जन्मदिन होता है या उनका तिरुभाव दिन भी होता है तो वो दिन बहुत शक्तिशाली होता है और उस दिन अगर हम उनका श्रवण करते हैं तो हमें उनकी ज्यादा कृपा मिलती है। जैसे आज के दिन बताया जाता है एक हमारे आचार्य हुए हैं जिनका नाम है सारंग ठाकुर, तो उनका तिरुभाव दिवस है। अभी हम महाराज के जीवन के लेख चर्चा करेंगे लेकिन आपको सारंग ठाकुर के बारे में बताऊं, वो इतने महान भक्त थे कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये बताया कि भाई आपको दीक्षा देना चाहिए। तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि कल सुबह जो है पहला जो भी मुझे व्यक्ति मिलेगा मैं उसको दीक्षा दूंगा। तो ये सोच लिया सारंग ठाकुर ने कि जो सुबह पहला व्यक्ति मुझे मिलेगा मैं उसको दीक्षा दूंगा। और वो बंगाल में थे और सुबह सुबह गंगा में स्नान करने गए ब्रह्म मुहूर्त के समय, उससे भी पहले। और उस समय की प्रथा ऐसी थी कि कोई जब जवान युवक उसका देहांत हो जाता है तो उसको जलाते नहीं है, उसके शरीर को गंगा में बहा देते हैं। तो एक जवान युवक का जो शरीर था जो उन्होंने गंगा में जो है विसर्जन कर दिया था, तो वो शरीर तैरते तैरते उनको स्पर्श हुआ सारंग ठाकुर को। और सारंग ठाकुर ने ये निश्चय किया था कि जो पहला व्यक्ति जो है मेरे संपर्क में आएगा मैं उनको दीक्षा दे दूंगा। तो उसने इस लड़के को दीक्षा दिया और दीक्षा देते ही जो है वो जीवित अवस्था में आ गया। तो देखिए आज सारंग ठाकुर का तिरुभाव दिन है, देखिए हमारे आचार्य कितने शक्तिशाली होते हैं। एक मृत लड़के को भी जीवित कर दिया और जैसे ही उनके माता पिता को मालूम चला कि भाई हमारा बेटा फिर से जीवित हो गया है तो वो लेने के लिए भी आए उसको, पर उसका वो जो लड़का था उसने बोला नहीं मैं अभी मृत्यु से वापस आया हूँ मेरे गुरु की कृपा से, अभी मुझे भक्ति करनी है, मुझे भौतिक जीवन में कोई रुचि नहीं है। ऐसा बोल के वो माता पिता के पास जाने के नहीं गए और वो पूरा जीवन भक्तिमय तरीके से जुड़ गए। तो देखिए राधानाथ महाराज का मुख्य शिक्षण ये है कि देखिए हम सबको जो है खुश रहना है, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है और पूरी दुनिया उस खुशी को लिए भाग रही है, ढूंढ रही है। यहाँ तक कि एक चींटी से लेके आप जितने भी मनुष्यगण बोले या देवतागण सब लोग खुशी के लिए ढूंढ रहे हैं आनंदमय अभ्यासा। और महाराज बताते हैं कि एक कस्तूरी जो हिरण होता है, कस्तूरी हिरण पूरा जीवन भर कस्तूरी को ढूंढता रहता है पर उसको मालूम नहीं कि कस्तूरी उसके ही नाभि में है। तो महाराज बता रहे हैं कि उसी प्रकार से हम लोग सब जो है खुशी ढूंढ रहे हैं लेकिन अगर आप इस दुनिया के किसी भी चीज में या किसी भी व्यक्ति में खुशी ढूंढोगे तो आप असंतुष्ट ही रहोगे जीवन भर, क्योंकि कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति हमें कुछ समय के लिए जो है आनंद दे सकता है या हमारी इंद्रियां को या थोड़ा मन को जो है खुशी दे सकता है पर वास्तविक रूप में आपको संपूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं दे सकता। तो वो संतुष्टि हमें तभी मिलेगी जब हम कृष्ण से जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है भगवान से प्रेम करना, भगवान से जुड़ना। जब तक हम वो नहीं करेंगे तो जैसे वो कस्तूरी जाएगा कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि भाई असली जो है कस्तूरी वो उनके ही शरीर में से खुशबू आ रहा है।
तो जब तक हम स्वयं कृष्णा से संबंध नहीं बनाएंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, आपके जीवन में कितना ही कुछ भी आ जाए पर आप संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं करेंगे। एक जो है रॉकरफेलर करके एक व्यक्ति है और वो पूरे विश्व को पैसा देते हैं। जैसे कोई बैंक लोन देता है तो वो वर्ल्ड बैंक के ओनर है और वो देश को, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ऐसे सब कंट्रीज को पूरे विश्व भर में 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10000 करोड़ ऐसा लोन देते हैं। तो आप सोच सकते हैं। और ये वर्ल्ड बैंक जो है गवर्नमेंट रन नहीं करता, ये प्राइवेट व्यक्ति का ओनरशिप पे है। तो जो ऐसे देशों को लोन देता हो तो आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति के पास कितना धन होगा। उनका एक लौटा पुत्र जो है वो पीएचडी कर रहा था और पीएचडी का उसका विषय था जो नोमैडिक ट्राइब्स जिसे बोलते हैं, या हम लोग अपनी लोकल भाषा में बोले जो जंगल में रहने वाले जंगली निवासी होते हैं, उस पर पीएचडी कर रहा था। तो जब वो लोग बोट से उतरे एक जंगल की ओर, तो वहां पे इसको जो है उसके साथ उनके सिक्योरिटी के लोग थे, उनका रसोईया था, उनके काफी टीम मेंबर्स थे, पर ये जो लड़का था उत्साहित रूप में पहले ही भाग गया जंगल में और इनको लगा कि बस ये यहीं तक ही जाएगा, पर वो जंगल में अंदर तक प्रवेश कर गया और जब तक उनके सिक्योरिटी के लोग आए उससे पहले ही जंगली लोग ने पकड़ लिया, इसको मार दिया। तो बीबीसी में जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल है उसमें उनके पिताजी का, मिस्टर रॉकरफेलर का जो है इंटरव्यू आया था और वो इंटरव्यू में बता रहे थे कि मेरे पास पूरी दुनिया में जितना पैसा नहीं होगा उससे ज्यादा मेरे पास पैसा है। मतलब सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हूं मैं पूरे विश्व का, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे दुखी व्यक्ति हूं मैं। पूरा दुनिया का पैसा होने के बावजूद भी मैं जो है सुखी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा इकलौता पुत्र चला गया है और भले ही मैं कितने ही पैसे दे दूं, ये मेरा पुत्र नहीं वापस आ सकता। तो देखिए, हम देखते हैं भौतिक जगत में कि लोगों के पास भले ही कितना भी धन हो तो वो संतुष्टि नहीं देता, पर कोई भक्ति कर रहा है वो उसको संपूर्ण रूप से संतुष्टि दे सकता है। तो जब हम कृष्ण भगवान के साथ जुड़ते हैं, और जैसे मैंने बताया कि जब भी हमारे जीवन में हमको लग रहा है हम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, तो ये देखिए ये बहुत जरूरी सूत्र है हमारे लिए जानना। जब भी हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए अंतरंग, क्योंकि मैं जितने भी भक्तों के साथ जिनको कथा सुना रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग 16 माला जप कर रहे हैं या कम से कम उस मार्ग में है 16 माला जप करने का और 4 नियम पालन सब कर रहे हैं। तो जब हमें समझना चाहिए कि जब हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो हमें देखना चाहिए क्या मैं जीवन में शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ क्या। अगर उसका जवाब हाँ आ रहा है, तो अगर आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां भी हों, तकलीफें भी हों, तब भी आपको कृष्ण भगवान एक प्रेरणा देंगे सेवा करने का, भक्ति करने का और आगे बढ़ने का। और अगर जवाब नहीं आ रहा है तो समझ जाइए क्योंकि हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति के साथ दूसरी सब चीजें कर रहे हैं, इसलिए हमें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है लाइफ में। तो महाराज को पूछा गया, महाराज अगर भक्ति हमें, जैसे साधक हैं तो हमें भक्ति करने के लिए सबसे मुख्य नियम क्या है? तो महाराज बोले पहला सत्संग। तो जो लोग नोट्स लिख रहे हैं प्लीज ध्यान रखिए ये चीज का जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। और ये इंस्ट्रक्शंस हो सकता है कि मैं रोज ना बताऊं आप लोगों को, क्योंकि रोज नया नया कथा होगा, गीता के आगे आगे श्लोकों में जाएंगे, भागवत में जाएंगे, प्रभुपाद लीलामृत में जाएंगे, और समुद्र के जैसे शास्त्र हैं तो कोई अंत नहीं है और शायद वापस नहीं बोले। पर महाराज ने बोला ये सबसे मुख्य अंग है भक्तों के जीवन में, पहला सत्संग। जितना आप सत्संग में रहोगे उतने आप सुरक्षित रहोगे। तो अधिकांश बार बताया जाता है कि कोई जो है अच्छे से 16 माला कर रहा है, 25 माला कर रहा है, लेकिन अगर उसको सत्संग का मूल्य मालूम नहीं और वो बस भक्तों के संग में नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे बाहर जा सकता है। और उसके विपरीत किसी के नियम पालन करने भी मुश्किल हो रहे हैं, जपा नहीं हो रहा है, लेकिन वो सत्संग में रहेगा तो सत्संग, सत्य का संग करना जो है उसको बोलते हैं सत्संग। तो उस संग में वो अपने आप नियम पालन करना चालू करेगा, वो अपने आप जप करना चालू करेगा और भक्ति में भी स्थिर हो जाएगा। तो सत्संग मतलब क्या, एसोसिएशन मतलब क्या? पहले स्तर पे शारीरिक रूप में जुड़ना, जैसे अभी हम लोग
मोबाइल के द्वारा जुड़ रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा जुड़े हैं, जूम के द्वारा जुड़े हैं। तो जब शारीरिक रूप से हम लोग नहीं मिल सकते तो इंटरनेट के द्वारा जुड़ना चाहिए, लेकिन जब भी मौका मिले शारीरिक रूप से संग करने का तो वो भी हमें फायदा उठाना चाहिए, और वो नहीं होने के समय कम से कम ध्वनि के मात्रा से हमें जुड़ना चाहिए। तो सत्संग मतलब सिर्फ जुड़ना शारीरिक रूप से या ध्वनि के रूप से, ये पहला स्तर है। लेकिन उसके बाद दूसरा स्तर जो सबसे महत्वपूर्ण आता है कि जो हम सत्संग में सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो अपने जीवन में अपनाएं, नहीं तो सत्संग का बहुत कम असर होगा। हरि कथा शक्तिशाली है, शिक्षण शक्तिशाली है, लेकिन जब तक हम उसको अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं तब तक जो है हमें उसका फायदा नहीं होगा। तो सत्संग का दूसरा भाग ये है, पहला भाग है जब हम शारीरिक रूप से संग में आए, ध्वनि के रूप में हम संग में आए, जैसे हम लोग सब जुड़े हैं, लेकिन इसका असर तब होगा जब हम ये जो शिक्षण सुन रहे हैं, जो प्रवचन सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में अपनाए। तो ये सत्संग का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है जो हमें समझना है कि सिर्फ प्रवचन सुनने से हम शुद्धिकरण नहीं होगा, प्रवचन के साथ साथ हमें प्रवचन को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। तो महाराज बोले सबसे महत्वपूर्ण चीज है भक्त के जीवन में सत्संग, और ये सत्संग जीवन भर करना पड़ेगा हमें अगर भक्ति में रहना है तो। तो जब हम भक्ति से जुड़े हैं तो महाराज बोलते हैं डिवोटी केयर की परिभाषा है कि कोई हमारे साथ जुड़ जाता है तो हम उनका ध्यान रखें भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, कब तक, जब तक उसके शरीर में आखिरी सांस है, मतलब मरते दम तक हम उनका ध्यान रखें। तो पूरा भक्तिन हॉस्पिटल बनाए रखा है महाराज ने, और उसका उद्देश्य है कि जब कोई पैदा हो तो हरिनाम सुने, और कोई शरीर त्यागे तो त्यागते समय भी जो है पूरे भक्तगण आ जाते हैं, स्पिरिचुअल केयर टीम आ जाता है, और आखिरी समय तक जब उसका शारीरिक परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है, शरीर त्यागने के समय में होते हैं, तब भी वो हरिनाम सुन के जो है अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा सकता है। तो देखिए महाराज ने बताया दूसरा महत्वपूर्ण चीज है साधना। तो भक्त को चाहिए सत्संग करता रहे और सत्संग करने के बाद साधना पे ध्यान दे। तो महाराज बोलते हैं कि कुछ समय अपने दिन में से हमें साधना के लिए बिताना चाहिए, और विशेष रूप से अगर सुबह का समय अगर हम देंगे भगवान को तो सबसे उत्तम है। तो जैसे बताया जाता है सबसे पहले चीज आप सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हो, भगवान को ध्यान करते हो, तो भगवान भी देखेंगे कि भाई इन्होंने जो है मुझे प्रायोरिटी दिया है, मतलब भगवान देखेंगे कि ये मुझे याद कर रहा है, तो अगर ये मुझे याद कर रहा है दिन में पहला चीज उठ के, तो मैं भी इसको दिन भर याद करूंगा, इसको हमेशा मैं सुरक्षा दूंगा, भक्ति दूंगा, कृपा दूंगा। तो साधना मतलब एक जो है अच्छा समय दिन भर में से जो है वो भगवान के लिए देना। तो पहला हुआ सत्संग, दूसरा हुआ साधना, तीसरा है सदाचार। सदाचार मतलब जो हमने सुना वो हम उसके हिसाब से जो है अपना कार्य करें, जो है हमारा चरित्र जो है बिल्कुल उत्तम रहना चाहिए, क्योंकि सब आपको जो है भक्त के रूप में देख रहे हैं। तो महाराज बोलते हैं हमें जो है अपने इंद्र भोग के हिसाब से जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, हमें सेवा के भाव से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये असली सदाचार है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हम जो है बदलाव कर सकते हैं क्या? तो देखिए बदलाव हम कैसे कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है समझना। राधानाथ महाराज प्रवचन में बता रहे थे कि गांधी जी एक व्यक्ति थे, फिर महाराज बोले कि या तो हिटलर एक व्यक्ति थे, और ऐसे विश्व में बहुत सारे लोग हैं जो एक एक व्यक्ति थे, पर उन्होंने जो है पूरे विश्व में क्रांति ला दी है, पूरे विश्व में बदलाव कर दिया है, और पूरे विश्व उनको जानता है। तो वैसे हम भी एक एक व्यक्ति हैं, अगर हम एक चीज निश्चित रूप से ध्यान कर लें कि भाई मुझे ये चीज करना है, तो पहले हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, और फिर हमारे जीवन में बदलाव आने के बाद हम दूसरे लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगे। तो देखिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़ा बड़ा चीज कर ले, नहीं। महाराज रामायण का कथा बताते हैं कि रामायण में जब सेतु बना रहे थे तो हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े विशाल चट्टान ला ला के डाल रहे थे, और वहीं पे एक जो है छोटा सा चींटी, वो भी जो है अपना एक पैर से मिट्टी के कण डालने की कोशिश कर रहा था। तो जब राम भगवान ने देखा
तो राम ने भगवान कहते हैं कि हनुमान जितना आप परिश्रम कर रहे हो उतना ही चींटी भी परिश्रम कर रहा है और मेरे नजर में आप दोनों समान है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्वांटिटी और क्वालिटी, तो क्वालिटी ज्यादा जरूरी है क्वांटिटी से। तो हो सकता है हम बहुत विशाल कार्य नहीं कर पाए, लेकिन जो भी हम कार्य कर रहे हैं हमें भक्ति भाव से करना चाहिए। तो इसके लिए जो है हमें जीवन में एक सूत्र रखना चाहिए। महाराज बता रहे थे कि ये सूत्र ये होना चाहिए कि हम जो है देना चाहते हैं लोगों को, लेना नहीं चाहते। तो अधिकांश समय लोगों के मन में आता है मुझे क्या मिले, मुझे क्या मिले, मुझे क्या मिले। नहीं, आपके मन में आना चाहिए मैं क्या दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं। इसलिए महाराज हमेशा बोलते हैं इन गिविंग वी रिसीव, जब हम देंगे तब हम खुद प्राप्त करेंगे। तो हमारा स्वभाव ही है भगवान से प्रेम करना। तो देखिए हम सब चाहते हैं कि हम किसी को प्रेम करें और कोई हमें प्रेम करे, और अधिकांश समय वो हम परिवार के सदस्य में ढूंढते हैं या बाहर की दुनिया में लोग एक दूसरे में ढूंढते हैं। पर हमें समझना चाहिए कि जो हमारी इच्छा है प्रेम करने की और प्रेम प्राप्त करने की, कृष्ण से ज्यादा हमें कोई संतुष्ट नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिए कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं जो संपूर्ण रूप से हमें संतुष्ट कर सकते हैं जब प्रेम की बात आती है। तो निश्चित रूप से हमें अपने परिवार वालों के साथ प्रेम करना है, सबके साथ प्रेम करना है, लेकिन साथ साथ हमारा जीवन का एक मुख्य अंग होना चाहिए कि हम भगवान से प्रेम करें। तो जब हम भक्ति योगा की बात करते हैं तो भक्ति मतलब भगवान की सेवा करना और प्रेम से करना, और योगा मतलब जो है जुड़ना। तो जब हम भक्ति योगा, जो डिवोशनल सर्विस जिसको बोलते हैं, तो वो है जिससे हम भगवान से संपूर्ण रूप से जुड़ सकते हैं। तो एक प्रवचन में मैं सुन रहा था, अभी देखिए भक्ति कितना शक्तिशाली मार्ग है। रामानुजाचार्य जो 1000 साल पहले शिव संप्रदाय में आचार्य रहे हैं और आज भी श्रीरंगम मंदिर उनके वहां समाधि है, और कभी श्रीरंगम मंदिर जाना हुआ तो वहां पे हम उनका समाधि का दर्शन कर सकते हैं। और उनके जो है कम से कम 1000 के करीब सन्यासी शिष्य थे और हजारों हजारों के संख्या में उनके जो दूसरे शिष्य थे, और बहुत शक्तिशाली आचार्य थे, और उनके शक्ति से पूरे पृथ्वी पे जो है सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं पूरे भारतवर्ष में जो है प्रचार काफी बढ़ गया था। तो उस समय 1000 साल पहले उन्होंने बोला कि भाई भगवान तिरुपति बालाजी की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि वो अकेले वहां विग्रह के रूप में थे पहाड़ों में। तो उस समय 1000 साल पहले हमें ध्यान रखना है वहां पे उस समय कोई जाने का प्रबंध नहीं था इतने दूर पहाड़ों में, और लोग इतना ट्रेवलिंग भी नहीं करते थे। तो उन्होंने बोला कौन जाना चाहेगा, तो उनके सारे शिष्य, अभी देखिए मैंने जैसे बताया हजारों में उनके शिष्य थे, कोई भी शिष्य ने हाँ नहीं बोला, क्योंकि उनको मालूम था अगर हम वहां जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मेलकोट्टे में रामानुजी आचार्य थे और तिरुपति बालाजी मतलब कई काफी दूर था वो जगह। तो उनमें से एक भक्त ने बोला कि हाँ मैं जाऊंगा। तो वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं था, पहाड़ पे रहना है मतलब समझ लीजिए जंगल में रहना है, और जंगल में रहते हुए जो है सेवा करनी है तिरुपति बालाजी की, और ना गुरु का संग मिलेगा ना साधु का संग मिलेगा, और यहाँ तक कि भोजन और वो सब के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो उसमें से एक ही शिष्य थे अनंत आचार्य, वो बोले हाँ जो है मैं जाऊंगा वहां पे। और उनकी कथा आती है कि कैसे उनकी जो बीवी थी वो भी गर्भवती हो जाती है, और गर्भवती बीवी और अनंत आचार्य दोनों जो है बगीचा बना रहे थे तिरुपति बालाजी के लिए। तो वहां पे बालाजी स्वयं ने देखा अरे ये तो बहुत जो है मेहनत कर रहे हैं, तकलीफ में है, और गर्भवती भी है अनंताचार्य की जो बीवी है, तो मुझे जाके मदद करना चाहिए। तो उन्होंने एक बालक का रूप धारण कर लिया और वो सेव उनको मदद करने लगे। तो पहले वो अनंताचार्य के पास गए, अनंताचार्य ने स्पष्ट बता दिया नहीं ये मेरे गुरु की सेवा है, मैं आपको नहीं दे सकता, आपका मदद भी नहीं ले सकता, आप चले जाइए। तो फिर वो अनंताचार्य की जो बीवी थी उनको बोलने लगे आप मुझे सेवा दे दीजिए, उन्होंने भी ना बोला। तो बोले अरे यार आप गर्भवती हैं, आप कैसे ये सब मट्टी वट्टी निकाल के फेंकेंगे, तो एक काम करिए आप मुझे दे दीजिए घमेला जिसमें मट्टी रखा है मैं फेंक कर आऊंगा। तो बीवी ने हाँ किया तो उसको सेवा में लगा दिया। तो अनंत आचार्य को लग रहा था मेरी बीवी पहले तो ज्यादा समय लगा रही थी मट्टी डालकर आने में, अभी जल्दी जल्दी आ रही है, तो कैसे वो जल्दी आ रही है। तो
उसने पूछा कि भाई आप जल्दी कैसे आ रहे हो, तो बोले वो एक लड़का मेरी मदद कर रहा है। तो बोला अनंत आचार्य क्रोधित हो गए, बोले अरे ये लड़का जो है हमें सेवा करने नहीं दे रहा है और हमारी सेवा ले रहा है जो हमारे गुरु महाराज की हमें सेवा प्राप्त हुई है करके। क्रोध वेश में आके उनके पास एक डंडा था जिससे वो जमीन खोदते थे, वो डंडा उन्होंने खींच के मारा उसकी तरफ और वो उनको चोट भी लगा वो जो लड़का था। और फिर वो भागते भागते गए तो वो जो है मंदिर में प्रवेश किए और मंदिर में जो तिरुपति बालाजी का विग्रह है उनके जो है अंग में से खून निकलने लगा। तो देखिए बालाजी स्वयं सेवा के लिए आए तब उनको अनंत आचार्य को मालूम चला, तो उन्होंने माफी मांगी क्षमा किया। आज भी आप तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रवेश करेंगे तो याद रखिएगा राइट साइड में ऊपर की ओर मेन गेट पे आज भी वो डंडा रखा हुआ है लोहे का जिससे अनंत आचार्य खड्डा खोदते थे और उन्होंने जो है इस लड़के को मारा था जो साक्षात बालाजी थे। तो मैंने सुना है कई बार पर मैं जब खुद गया और मैंने खुद देखा तो आज भी वो जो है स्पेड इंग्लिश में जो बोलते हैं वो आज भी वहां रखा हुआ है अनंत आचार्य का भक्ति को याद करते हुए। अब देखिए ऐसे परम भक्त की भगवान उनकी सेवा करने आते थे तो एक बार उनको इसी जंगल में जो है सर्प ने काट दिया। तो जब सर्प ने उनको काटा तो सारे उनके शिष्य जो है थोड़े ये हो गए विचलित हो गए और बोले आपको इलाज करना चाहिए आपको ये करना चाहिए। तो अनंत आचार्य ने बोला कुछ आवश्यकता नहीं है, अगर इस सर्प में मेरे से ज्यादा जहर है तो मैं मर जाऊंगा और अगर मेरे में इस सर्प से ज्यादा जहर है हाँ तो मुझे कुछ नहीं होगा करके। तो बोले अरे ये क्या बात हुई, अगर आपको सर्प ने काटा है इलाज करना चाहिए। बोले वेंकटेश तिरुपति बालाजी अगर चाहते हैं मैं शरीर में सेवा करूं तो मैं करता रहूंगा और अगर वो चाहते हैं नहीं मेरा देहांत हो जाए तो मैं आध्यात्मिक जगत में जाकर सेवा करूंगा। तो अनंत आचार्य के मन में स्पष्ट था जब तक मैं शरीर में हूं मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ तिरुपति बालाजी की, जब मेरा देहांत हो जाएगा तो वही तिरुपति बालाजी की मैं आध्यात्मिक जगत में जाकर सेवा करूंगा। तो मेरे लिए जीवित रहना या मृत होना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए ये महान भक्त है जिनका मन देखिए किस तरह से केंद्रित है। तो राधानाथ महाराज का जो है किडनी स्टोन्स हो गए थे और शायद ज्यादा ही स्टोन्स बढ़ गए थे तो डॉक्टर्स और सबसे कंसल्ट किया गया और पूछा गया क्या करना है। तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करके निकालना चाहिए। तो फिर महाराज को बोला कि महाराज आपके लिए अच्छा ये है कि हमें स्टोन्स निकालने, क्योंकि जो टॉप सर्जन्स है वर्ल्ड के वो कह रहे हैं आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा महाराज आपकी क्या इच्छा है। तो महाराज बोले मुझे सर्जरी वर्जरी कुछ नहीं करना, जो है अंदर रहने दो उसके साथ में भक्ति करता रहूंगा, ज्यादा में ज्यादा कुछ हुआ तो मैं शरीर त्याग दूंगा। तो बोले नहीं नहीं महाराज आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि ये तो ये निकाल दें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप हजारों लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं और एक आचार्य हैं आप। तो महाराज ने बोला ठीक है प्रभुपाद की सेवा के लिए अगर लग रहा है ऑपरेशन करना जरूरी है तो मैं ऑपरेशन करा लूंगा। तो महाराज को पूछा गया था एक प्रश्न जो हमारे लिए भी बहुत लागू है कि बाहर के वातावरण में देखिए आज कितना प्रदूषण है। प्रदूषण सिर्फ वातावरण का नहीं, प्रदूषण है लोगों के मन में, लोगों के जीवन में। लोग इतना हर तरह से गलत कार्य कर रहे हैं, तो लोग जो है इतना लोभी है, लोग इतने जो है पैसे का गबन कर रहे हैं, इतना वातावरण प्रदूषित कर दिया है। दुनिया भर का जो है कलह चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है। तो महाराज बोले इसका समाधान है पहले अपना हृदय शुद्धिकरण करिए। आप दुनिया को बदलने मत जाइए, पहले अपना हृदय पूरी तरह से शुद्धिकरण करिए। आप में ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं रहना चाहिए और कम से कम आपको मेहनत करना चाहिए उस दिशा में ये सब शुद्धिकरण करने के लिए। उसके बाद आपका शुद्धिकरण काफी हो जाए या आप उस मार्ग में पूरी तरह से लगे हुए हैं तो आप दूसरे लोगों को मदद करिए शुद्धिकरण करने के लिए। तो जितने लोग आपके संपर्क में आएंगे आप उनको भी मदद करिए। अभी सामने वाला कितना तीव्रता से भक्ति करता है वो उनके ऊपर है, पर कम से कम आप तो उनको बतला सकते हैं। तो देखिए हम लोग इस वातावरण में रह रहे हैं, अगर आप इस प्लेनेट की बात करें अर्थ प्लेनेट की, 90% लोग मांसाहार कर रहे हैं। 90% लोग मतलब 10 में से 9 लोग नॉनवेज खाते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, 760 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे जगह पे निश्चित रूप से हिंसा होगा ही, लोग विचलित रहेंगे ही। और आप जो है जितना हो सके हम अपने क्षमता अनुसार हमें प्रचार करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए।
तो महाराज बहरीन में थे, तो बहरीन में जो है प्रोग्राम के लिए गए थे, वहां पे बुलाया था प्रवचन के लिए। तो वहां पे एक पेड़ है जिसे बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ। ये पेड़ अगर आप जाके देखेंगे, आप सर्च भी कर सकते हैं ट्री ऑफ लाइफ के बारे में, तो वो बताया जाता है किलोमीटर तक जो है वहां पे कोई पेड़ नहीं है, ये अकेला एक पेड़ है ट्री ऑफ लाइफ जो बहरीन में पूरे रेगिस्तान के बीचों बीच है। तो इसके बारे में बताते हैं कि उधर ना जल है ना पानी है, कुछ भी नहीं है, तो ये पेड़ जीवित कैसे है? तो कई लोगों का कहना है कि जिन्होंने रिसर्च किया है कि उसके जड़ के नीचे 2 किलोमीटर पानी है, तो शायद वहां से वो थोड़ा मॉइस्चर खींचता है, या कई कहते हैं वैज्ञानिक कि हवा में थोड़ा मॉइस्चर है जिसके कारण वो जीवित रहते हैं। उस पर पूरे हरे हरे पत्ते हैं, और यहाँ तक कि बताते हैं कि जो एडम ईव, एक क्रिश्चियन रिलीजन में, क्रिश्चियन धर्म में आता है कि पहले लड़का लड़की जो बने थे एडम ईव, वो इस पेड़ के नीचे रहते थे, और ये जो है जादुई पेड़ है इसलिए वो है। तो महाराज जब उस पेड़ के पास गए बहरीन में, प्रवचन किए, फिर अगले दिन जो है वहां गए थे देखने के लिए, तो महाराज वहां बैठ के ध्यान कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करके भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे कि ये जो पेड़ है रेगिस्तान के बीचों बीच है और यहाँ पे मैं आया हूँ, मुझे इससे क्या सीखना चाहिए। तो महाराज बोलते हैं मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि भले ही हम रेगिस्तान के बीच में जी रहे हो, तो अभी देखिए हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, सारे के सारे लोगों को जो है गलत आदतें हैं, सब इंद्र भोग में लगे हैं, मतलब रेगिस्तान के बीच में हम लोग। लेकिन अगर हम कृष्ण से जुड़े रहें तो हम उस पेड़ के समान रहेंगे जो जो है अच्छे से पनप रहा है, अच्छे से हरी पत्तियां हैं, और कितने सारे लोग आके जो है उससे इंस्पिरेशन लेके जा रहे हैं, उससे उत्साह लेके जा रहे हैं। तो ये हमें चीज समझना है कि भले ही हम रेगिस्तान के बीचों बीच रह रहे हो, तो हमारे आसपास सब नेगेटिविटी है, मतलब सब नकारात्मक रूप से लोग देख रहे हैं, सब जगह दोष है, ये है, पर हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। हमें जो है कृष्ण भगवान की भक्ति करते हुए जो है उत्साहित रहना है और दूसरों को भी वही उत्साह देना है। तो ये महाराज से पूछा गया था कि हमारे में जो शुद्धता है, हमारे में जो अंश है, जैसे हम कृष्ण भगवान के अंश हैं, जीव रस स्वरूप हो कृष्ण रतन दास, वो हम कैसे ढूंढे। अभी हम सब भक्त हैं, हम सब भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे मन में ये प्रश्न हमेशा आता है कि हम कैसे जो है भगवान की ओर जुड़ सकते हैं। तो महाराज का जवाब देते हुए बोले कि क्रिश्चियनिटी में जो है एक क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट ने बताया है बाइबल में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ध्यान रखिए, जब हम राधानाथ महाराज के संपर्क में हैं, ऐसे महत्वपूर्ण आचार्य के संपर्क में हैं, तो उन्होंने पूरा जो है क्रिश्चियनिटी का बाइबल को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, क्योंकि वो भगवान के ही खोज में निकले थे। हम लोग सब इस्कॉन के साथ जुड़े हैं, पर हम में से किसी की भी इतनी तीव्र इच्छा नहीं है भगवान का साक्षात्कार करने की, इसलिए हम आराम से अपना थोड़ा माला करते हैं, थोड़ा नियम पालन करते हैं, और अपना जीवन अच्छे से चल रहा है, बस ठीक है। तो कोई आतुरता नहीं है हम लोग में कि हाँ हमें भगवान को साक्षात देखना है या साक्षात्कार पूरी तरह से प्राप्त करनी है। तो महाराज की वो इच्छा थी, इसलिए वो अमेरिका से निकले थे 19 साल की उम्र में। और फिर महाराज ने सिर्फ क्रिश्चियनिटी नहीं, इस्लाम भी अच्छे से पढ़ा है। जब महाराज इस्तांबुल और उस तरफ थे, ईरान और उस सब में, उस तरफ में जहाँ सब मुसलमान लोगों के साथ बीच में थे, तो वहां पे महाराज जो है उनके कुरान को अच्छे से पढ़े, और क्योंकि जो मुसलमान के मौला लोग थे उनसे सीखे महाराज पूरा अध्यात्म के बारे में, और क्रिश्चियनिटी तो खुद महाराज जूश हैं, तो उन्होंने वो सब अच्छे से पढ़ा है, प्लस बुद्धिज्म पढ़ा है महाराज ने, दूसरे सारे धर्मों का जो है अच्छे से स्टडी किया है, जो शायद हम लोग कभी करने वाले नहीं है, और उसका सार महाराज हमें बता रहे हैं। तो देखिए, जब हम महाराज से सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, वो सब पढ़ के उनको साक्षात्कार प्राप्त हुआ। तो महाराज बाइबल में से बता रहे थे, जीसस क्राइस्ट बताते हैं सीक एंड यू शैल फाइंड, कि आप ढूंढिए और आपको मिलेगा। तो अगर हमें कृष्ण भक्ति करनी है तीव्रता से, आप जो है सिर्फ इच्छा करिए, थोड़ी मेहनत करने की कोशिश करिए, और देखिए भगवान कैसे प्रबंध करते हैं। ध्रुव महाराज निकल गए थे, हमने भागवतम में सुना है, भगवान की खोज में। तो जब कृष्ण भगवान ने देखा, देखिए 5 साल का बच्चा निकल गया है मुझे ढूंढने के लिए,
तो इसकी तो क्षमता है नहीं जो है मुझे प्राप्त करने की, पर मैं अपना गुरु भेजता हूँ, मैं जो है अपना प्रतिनिधि भेजता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर पाएगा और उनको मार्गदर्शन करेंगे जिससे वो अपना जीवन सार्थक करे। तो देखिए भगवान कैसे मदद करते हैं। तो 5 साल के बच्चे को सतयुग में मदद किया था और आज भी प्रभुपाद लिखते हैं वो हर एक भक्त को मदद करने के लिए तैयार हैं जो भक्ति करना चाहता है। प्रभुपाद अपने भागवत में स्पष्ट बताते हैं भगवान ज्यादा आतुर हैं हमें भगवत धाम ले जाने के, हम आतुर नहीं है भक्ति करने के लिए, हम आतुर नहीं है भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन भगवान आतुर है। गॉड इज मोर एंग्शियस टू टेक अस बैक टू गॉड देन वी आर। लेकिन जहां भी हम थोड़ा भी सिंसेरिटी दिखाएंगे तो भगवान हमें पूरी तरह से मदद करेंगे। तो देखिए एक वैष्णव का क्या विचार होना चाहिए, तो महाराज उसके ऊपर बता रहे थे जैसे हम सब भक्त हैं तो हमें दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए, जैसे आचार्य गण बताते हैं पर दुख दुखी। तो जब कोई दूसरा दुखी हो रहा है तो उनका दुख देख के हमें दुखी होना चाहिए, मतलब हमें मदद करना चाहिए कि कोई दुखी ना रहे, हमें उन्हें जो है ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक रूप से प्रोत्साहन देके आगे लेके जाने के लिए, और कोई दूसरा सुखी है तो उसको देख के हमें खुश होना चाहिए कि चलिए ये अध्यात्म में अच्छा कार्य कर रहा है और उसका भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी कल्याण हो रहा है। तो अगर हम बोलते हैं हम किसी को प्रेम करते हैं तो प्रेम की परिभाषा है हमें उसे मदद करना चाहिए आध्यात्मिक रूप से। तो बोलना बहुत आसान है भौतिक जगत में, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ आई लव यू, लेकिन उसका प्रेम का असली तात्पर्य क्या है कि हम आध्यात्मिक रूप से सामने वाले का कल्याण करें जिससे उसका आजीवन काल के लिए सारे मुसीबतें सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। जैसे प्रभुपाद गीता में बताते हैं गीता को अपने जीवन में अपनाना मतलब सारे प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन, सारे प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं यही जीवन में हमारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, इस जीवन के अंत में हम भगवत धाम चले जाएंगे। और जब तक हम इस जीवन में हैं इस शरीर में हैं तब तक अगर हम तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखेंगे, हमें सुरक्षित रखेंगे। तो महाराज एक माता जी के बारे में बता रहे थे सिंधु ताई जो है जो उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और वो जो है उनको वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे भी उन्होंने कई बार प्रवचन दिया हुआ है। तो बोल रहे थे देखिए संघर्ष कैसे होता है और संघर्ष से लोग निकलते हुए दूसरे लोगों के लिए कैसे कार्य करते हैं। अब देखिए मैंने बताया प्रेम मतलब दूसरों को मदद करना, अभी जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो भौतिक रूप से मदद करते हैं। अब ये सिंधु ताई का आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, बहुत फेमस हैं ये। तो उनके बारे में बताते हैं कि कैसे वो जो है महाराष्ट्र के एक गांव में पैदा हुई थी और जब वो 10 साल की थी तब उसको उनका विवाह एक लड़के से किया था, व्यक्ति से किया था जो उनसे 20 साल बड़े थे, मतलब वो 30 साल का था और ये 10 साल की लड़की थी तभी उनका विवाह करा दिया और उससे उनको 3 लड़के हो चुके थे। और तीसरी चौथी बार जब वो गर्भवती हुई थी तो वहां पे उधर के माफिया वालों के साथ उनका झगड़ा हो गया और माफिया वाले ने उसके पति के मन में ऐसा डाला कि ये जो तुम्हारी बीवी है वो जो है उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो दूसरे लोगों के साथ संग कर रही है वगैरह वगैरह। और बताया जाता है ये सिंधु ताई जो है वो इतना मेहनत करती थी कि जब वो बचपन में 10 साल की उम्र में जब उसको भैंसा चराने के लिए भेजते थे तो भैंसा को जो है जहाँ वो पानी पीते थे तब वो भाग के स्कूल में जाती थी और स्कूल में बाहर खड़े रह के जितना हो सकता है पढ़ाई करने की कोशिश करती थी और फिर जो है समय होने के बाद भैंसों को लेके आती थी तब घर में मार पड़ती थी उसको कि इतना लेट गई, पर ऐसे छुप छुप के उसने स्कूल गई और थोड़ा बहुत उसने पढ़ाई की थी। तो अभी जो माफिया था उसने उसके पति को ऐसा समझा दिया कि भाई ये जो बच्चा है ये भी तुम्हारा नहीं है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, ये दूसरे लोगों का संग कर रही है वगैरह वगैरह। तो वो इतना उसके मन में बैठ गया था उसके पति में कि पति जो है उसको लाते मार मार के जो है मार देना चाहता था और उसकी इतनी उसने बेकार तरीके से पिटाई करके उसको गौशाला में डाल दिया। और गौशाला में डालने का उसका उद्देश्य ये था कि लोगों को ये लगे कि गैया इसके ऊपर जो है उसके ऊपर उन्होंने आक्रमण किया और गैयों के खुर से इसको मार लग के यहाँ मर गई। तो बताया जाता है उसकी इतनी हालत खराब थी, गर्भवती थी वो,
और ऐसे में एक विशेष गैया जो है उसके ऊपर आके खड़ी रही और उसने पूरा समय, बताया जाता है तकरीबन तकरीबन पूरा जो है घंटों घंटों या कई एकाध दिन दो दिन तक उसने उसको जो है सिंधुताई को दूसरे जो है गैया से बचाया। और फिर वहीं पे गौशाला में बताया जाता है उसने जो है एक लड़की को जन्म दिया। और जो बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड जो माता और बच्चे को जोड़ के रखता है उसको काटने के लिए उसके पास वहां पे कुछ नहीं था, वो अकेली थी गौशाला में, तो पत्थर लेके उसको वो जो है एम्बिलिकल कॉर्ड काटना पड़ा। ठीक है, इतना संघर्ष उन्होंने देखा। उसके बाद में उसको लगा कि अरे जो है मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, और ये सोच के वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी अपनी छोटी नवजात शिशु के साथ, तो वो सोचने लगी अरे मैं तो मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं क्या कर सकती हूँ दुनिया के लिए। ये देखिए एक प्रश्न उठा था कि मैं एक व्यक्ति क्या परिवर्तन कर सकता हूँ, तो महाराज ने जवाब दिया कि आप पहले अपने जीवन में परिवर्तन करिए और अपने जीवन के प्रभाव से दूसरे लोगों के जीवन में परिवर्तन करिए। तो सिंधुताई जब उस पेड़ के नीचे बैठी थी तो उसने देखा कि उसमें से एक शाखा पूरी तरह से टूट चुका है और उसका सिर्फ एक भाग उस पेड़ से जुड़ा है, मतलब 90% वो जो है कट चुका था, टूट चुका था, लेकिन क्योंकि सिर्फ 10% भी जुड़ा था तो उस पेड़ की शाखा के नीचे उनको छाया मिल रही थी। तो उन्होंने उस पेड़ से देख के ये सीखा कि भले ही मेरी कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, जैसे ये पेड़ की शाखा टूटी हुई है 90%, फिर भी वो आश्रय दे रही है, छांव दे रही है, वैसे मैं भले जीवन में 90% टूट चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं आश्रय दूंगी। और उन्होंने ऑर्फनेज खोला, अनाथ आश्रम। और ये अनाथ आश्रम जो है धीरे धीरे मेहनत करते करते जहाँ जितने भी अनाथ बच्चे हैं वो लोग उसमें आश्रय के लिए आने लगे, और वो अनाथ आश्रम आज की तारीख में 1500 बच्चे हैं वहां पे, और कई लोग उनको मदद करते हैं फाइनेंस से, उन्होंने उधर पूरा अनाथ आश्रम बना के दिया, और आज की तारीख में वो बहुत कामयाब है। और बोलते हैं उनके जीवन में एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला कि मेरे को जो है कोई आश्रय नहीं दे रहा है, मेरे पास कोई नहीं है, आप मुझे आश्रय दीजिए। तो सिंधुताई ने उनको भी आश्रय दिया और उनको बोला लेकिन ध्यान रखिए ये व्यक्ति कौन थे, उनके ही पति थे जिन्होंने उनको मारने की कोशिश की थी। वो बोले मैं तुमको आश्रय दूंगी लेकिन बीवी बन के नहीं, जो है यहाँ के माता बन के। और उन्होंने उनको आश्रय दिया और बच्चों को कहा इस व्यक्ति को प्रेम करो क्योंकि इसको प्रेम की सबसे ज्यादा आवश्यक है, जब व्यक्ति में प्रेम नहीं होता इसलिए वो दूसरों को प्रेम नहीं देता, लेकिन अगर किसी के हृदय में प्रेम ही प्रेम है तो दूसरों से भी अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे से उनसे जो है उनको भी प्रेम देता है। तो जो है जब महाराज मिलने गए थे इनसे तो फिर वो लड़की से मिलाया और बोला ये जो लड़की है 30 साल की जो डॉक्टर है ये मेरी बेटी है। अभी वो जो लड़की जो पैदा हुई थी गौशाला में उसको उन्होंने डॉक्टर बनाया है और वो अभी जन समुदाय का कल्याण कर। तो देखिए महाराज बता रहे थे कि हमें सीखना चाहिए बाहर के भौतिक जगत में लोगों ने कितना संघर्ष करके फिर दूसरे लोगों का कल्याण के लिए कितना कार्य किया है। महाराज हमेशा एक उदाहरण देते हैं कैलिफोर्निया के रेडवुड ट्रीज का, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए लागू होता है ये बहुत चीज। बोलते हैं रेडवुड ट्रीज अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि विश्व का सबसे बड़े जो है लंबे चौड़े पेड़ हैं और सबसे दीर्घ आयु जो है, कई पेड़ हैं जो 5000 साल 7000 साल ऐसे इतने हजारों सालों से वो जी रहे हैं। तो रेडवुड ट्रीज के बारे में बताया जाता है, वहां के जो फॉरेस्ट रेंजर हैं वो बता रहे थे, तो महाराज भी वहां खड़े रह के प्रवचन सुन रहे थे। ये किसका, फॉरेस्ट रेंजर का। तो बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप आता है, आंधी तूफान आता है जो है जिसको साइक्लोन बोलते हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो गिरते नहीं है। तो बोलते हैं क्यों, और दूसरा है कि इनके जो जड़ हैं वो बहुत ज्यादा जमीन में गहराई में नहीं जाते फिर भी गिरते नहीं, तो क्यों, उन्होंने पूछा रेंजर ने जो फॉरेस्ट के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने बोला क्योंकि इनके जो जड़े हैं वो नीचे नहीं जाते पर जो है दाईं और बाईं ओर सब तरफ में फैल जाती है और दूसरे पेड़ों के जड़ के साथ वो मिल जाती हैं और एक दूसरे को पूरी तरह से जो है सपोर्ट करती है, मदद करती है।
तो जब भी तूफान आता है, भूकंप आता है, तो इतने विशाल काया के जो पेड़ हैं वो लोग गिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें जो हैं पूरी तरह से बंद जाती हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ तक कि एक नया रेडवुड का छोटा पेड़ भी आता है तो उसकी जड़ें भी पूरी तरह से बड़े बड़े पेड़ के साथ जुड़ जाते हैं और वो भी उतना ही सक्षम हो जाता है। तो महाराज ये बता रहे थे रेडवुड ट्रीज के बारे में कि हमें अपने जीवन में जो है वैसे ही जैसे एक पेड़ की जड़ें दूसरे जड़ों के साथ, दूसरे पेड़ की जड़ों के साथ पूरी तरह से बंध जाती हैं, एकदम मजबूत हो जाती हैं, वैसे हमें दूसरे भक्तों के साथ इतना घनिष्ठ संबंध रखना चाहिए, मित्रता रखनी चाहिए, जिससे हम पूरी तरह से उनके साथ जुड़े रहें और जीवन में भले ही भूकंप आए, भले ही तूफान आए, हम ज्यादा विचलित ना हो। तो रिलेशनशिप्स बिटवीन डिवोटीज, मतलब भक्तों के बीच में जो संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये संबंध जो है हमें और महाराज बोलते हैं कि ये संबंध में जो है हमारे हार्ट्स का अफेक्शन जो है हमारे हृदय में हमें प्रेम करने की इच्छा होती है, आदान प्रदान करने की इच्छा होती है, तो वे सब भक्तों के साथ करना चाहिए और एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भक्तों के ग्रुप में रहें और ये सोचे कि हाँ ये भक्त मेरी सेवा करेगा, नहीं, हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, तब जो है वो बंधन बना रहे। मैंने कई बार पहले बताया हुआ, जब मैं ट्रिप्स निकालता हूँ, कई साल पहले मैं जम्मू भी लेके गया था डिवोटीज को और वहां पे भी मैंने बताया था कि मैंने राधानाथ महाराज को पूछा था कि महाराज हमें तो भागवतम के बारे में जो है बताया गया है कि हमें भागवतम का आश्रय लेना चाहिए, हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। और उस वक्त हम लोग खंडाला में गए थे, हमारे कुंज बिहारी प्रभु हैं तो उनके बंगले पे, और वहां पे एकदम भव्य रूप से भोजन का प्रबंध किया था और बिल्कुल ऐसे उनका बड़ा लॉन था जिसके बीच में एक स्विमिंग पूल जैसा था और स्विमिंग पूल के बीच में सीमेंटेड का एक कमल बनाया हुआ था, उनका डेकोरेशन के हिसाब से था गार्डन में। उस पे महाराज बैठ के प्रवचन दे रहे थे, हम लोग सब लॉन में थे, सिर्फ काउंसलर्स थे और मैं भी था वहां पे। तो वहां पे मैंने महाराज को पूछा था, महाराज यहाँ पे आके इतना खर्चा करने की क्या आवश्यकता है और यहाँ पे तो कुछ भी आध्यात्म नहीं है। तो महाराज ने सब काउंसलर्स के बीच में जवाब दिया मुझे कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन में जप करने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, कि भक्तों के बीच में अच्छा संबंध होना चाहिए। तो महाराज बोले, पैसा ही जरूरी नहीं है, खर्चा जरूरी नहीं है, अगर कोई ऐसा कार्य जिससे हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो उस संबंध बनाने के लिए हमें जो है कोई भी जगह पे हम जा सकते हैं और वहां पे हम एक दूसरे का समय बिता सकते हैं। तो महाराज बोले, अधिकांश समय हम जब आध्यात्मिक जगह पे प्लेस पे जाते हैं तो हम वहां पे सब जगह दर्शन करने के लिए जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसे जगह पे आते हैं तो वहां पे हमें कहीं जाना नहीं होता, पर हम एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो है अपनी दिल की बात, जिसे बोलते हैं ना मन की बात, वो चर्चा कर सकते हैं। तो सोल सर्चिंग टॉक्स करके महाराज एक चीज बोलते हैं, सोल सर्चिंग, सोल सर्चिंग मतलब पूरे अपने हृदय के अंदर से जो है अपने मन की जो है सब बातें करना और प्रश्न करना। बोले ये जब हम भक्तों के साथ करते हैं तब हमारा मित्रता बढ़ता है और तब हम जीवन भर भक्ति कर पाएंगे, माला कर पाएंगे, भागवत कर पाएंगे। तो महाराज ने खुद ने जवाब देते हुए मुझे बताया था, तो मुझे आज भी याद है ये चीज। तो हम भी उसी दिशा में चलते हैं और हमें भी जो है जब यात्रा करने का मौका मिले यात्रा करना चाहिए, लेकिन जब दूसरी समय हमें मौका मिलता है भक्तों के साथ कहीं जाके समय बिताने का, तो उसके लिए भी हमें कोशिश करना चाहिए। तो महाराज बताते हैं कि एक रेडवुड ट्रीज के बारे में हमें सीखना चाहिए। महाराज बोलते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस वी कैन ग्रो एंड ग्रो। अर्थात जो है उधर भले भूकंप आ रहे हैं, भले उधर तूफान आ रहे हैं, भले कुछ भी चल रहा हो, पर उसके होते हुए भी जो है ये जो रेडवुड ट्रीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ही जीवन में चाहे कुछ भी आ जाए, हमें उससे विचलित नहीं होना है, हमारा मन जो है एक ही जगह पे होना चाहिए, वो है भक्ति करना है, भक्ति में प्रगति करना है। तो हमें बाकी सब चीजों का भी ध्यान रखना है, भौतिक चीजों का, लेकिन साथ साथ हमारा मन एक ही जगह होना चाहिए। तो कई बार ये हम कथा में सुने हैं कि जब अर्जुन को बोला गया कि उस पंछी पे जो है आपको तीर मारना है उसकी आंख पे, तो उससे पहले दुर्योधन को बुलाया गया, युधिष्ठिर को बुलाया गया, भीम को बुलाया गया, सबको बुलाया गया और सबको पूछा गया। जब द्रोणाचार्य ने पूछा आपको क्या दिख रहा है, तो सब लोग बोल रहे हैं हमें सब कुछ दिख रहा है, हमें पेड़ दिख रहा है, हमें आप दिख रहे हो,
हमें सब कुछ दिख रहा है। तो बोले नहीं, तीर नहीं मार सकते आप। और फिर अर्जुन को बुलाया गया, क्या दिख रहा है? तो बोला मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, जो छोटा सा चिड़िया का प्रतिबिंब बनाया था उसकी आंख दिख रही है। तो फिर उन्होंने पूछा द्रोणाचार्य ने, तुमको क्या दिख रहा है? बोले मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ वो आंख दिख रही है। तो बोला हाँ, आप तीर मारो। और फिर उनका तीर जो है सीधा वो प्रतिबिंब जो बनाया था चिड़िया का उसके आंख पे लगा। तो वो चीज हमें चाहिए जीवन में, कि हमें बाकी कुछ ज्यादा दिखना नहीं चाहिए, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है। बेकार की चीजों में ध्यान देंगे तो हमारा भी समय बर्बाद होगा। तो समय बहुत मूल्यवान है। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं कि करोड़ों रुपए दे के भी आप एक पल वापस नहीं ला सकते जो जीवन में चला गया। तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है, सबसे धनी व्यक्ति वो है जो अपना रोज का समय अच्छे से सही जगह पे इस्तेमाल करे। तो ये राधानाथ महाराज का एक और शिक्षण है कि हु इज द मोस्ट वेल्दी पर्सन, सबसे धनी व्यक्ति कौन है? धनी व्यक्ति वो है जो अपना समय सही जगह पे लगाए, क्योंकि जहां पे वो समय अपना डाल रहा है उसके हिसाब से उसका भविष्य बनने वाला है। तो एक तो है वो आध्यात्मिक चीज करे जिससे उसका कल्याण हो, और फिर वो यही चीज दूसरों को बताए जिससे दूसरों का भी कल्याण हो सकता है। तो महाराज ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, दो मतलब बहुत सारे में दो, एक तो जर्नी होम है और जर्नी विदिन है। और एक चीज समझना है आप लोगों को कि जब महाराज ने किताबें लिखी तो ऐसा नहीं कि महाराज पूरा काम वाम छोड़ के छुट्टी लेके कहीं एकांत में चले गए और वहां पे बैठ के एक महीना दो महीना आराम से किताब लिखी, ऐसा नहीं। महाराज जो है पूरा दुनिया भर की जिम्मेदारियां संभालते हुए महाराज जो लोग चर्चा करते हैं सुनते हैं राधानाथ महाराज का जीवन लिखी, और आप देखिए कितनी बारीकी से महाराज ने लिखा है। और महाराज ने घंटों घंटों दिए। तो मैं उनके पर्सनल सर्वेंट व्रतचंद्र के साथ कई बार बात करता रहता हूँ, तो व्रतचंद्र को वो बता रहे थे कि महाराज जब जीबीसी मीटिंग के लिए मायापुर में जाते हैं, जब एक महीने का उनका मायापुर में रहना होता है, तो महाराज का मीटिंग तकरीबन सुबह 8 बजे से चालू होता है, शाम को 5-6 बजे तक चलता है पूरा। वहां तक लंच भी वहीं पे होता है, ब्रेकफास्ट भी वहीं पे होता है। तो 8 से 6-10 घंटा वहां पे मीटिंग्स करने होते हैं, पूरा विश्व के इस्कॉन को कैसे संभालना है उसके ऊपर। तो महाराज 6 बजे वहां से आते थे, फिर स्नान वान करके जो है थोड़ा प्रसाद प्राप्त करके 7 बजे महाराज बैठ जाते थे, 7 से रात के 12 बजे तक जो है महाराज अपनी किताब लिखते थे 5 घंटा। और फिर 12 बजे सो के सुबह 5-5:30 बजे उठ के मंगल आरती में जाते थे, जपा करते थे, और जपा करने का दिन भर का मीटिंग। तो ऐसा भी महाराज इतना जो है मेहनत करके ये किताब लिखे। तो महाराज बोलिए बोल रहे थे कि देखिए महाराज मैंने दो किताबें लिखी हैं, एक तो जर्नी विद इन और जर्नी होम, जिससे महाराज जर्नी होम तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और जिस पर जर्नी होम खत्म होगा फिर हम जर्नी विद इन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो महाराज बोल रहे हैं हम सबके जीवन में भी एक जर्नी है कि हम जो है भक्ति में प्रगति करें, एक दूसरे को मदद करें कि जिससे वो भी अपने जो है जर्नी होम जो है अपना भक्तिमय जीवन को प्राप्त कर सके। और ये महाराज का एक कंक्लूजन है, सार है, अगर आज का जो हम लोग महाराज का अपीयरेंस डे के दिन का महाराज का मैसेज ये है कि हम लोग सब भगवान के अंश हैं, और हमारा जीवन का उद्देश्य यही है कि हम भगवान से जुड़े, भगवान से सेवा करें, भगवान से प्रेम करें, तभी हम संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं और पूरी दुनिया को भी संतुष्टि दे सकते हैं। तो महाराज जीसस क्राइस्ट का एक और इम्पोर्टेंट सेइंग बता रहे थे कि एक, ये इंग्लिश में मैं पहले बोलता हूँ फिर बात को इंग्लिश हिंदी में अनुवाद करूंगा। व्हाट प्रॉफिट इज देयर इफ यू गेन द होल वर्ल्ड बट लूज योर एटर्नल सोल। ये जीसस क्राइस्ट ने बताया है कि आपको क्या फायदा अगर आप भले दुनिया, आपको कोई भी दुनिया जो है आपको पूरी दुनिया मिल जाए, लेकिन दुनिया मिलने के बावजूद जो है आप जो है आत्मा को जान नहीं सके। तो जैसे कई लोग भौतिक रूप से बहुत प्रसिद्धि करते हैं अपने जीवन में, अच्छी बात है, हमारा उनको पूरी तरह से हम उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन बिना अध्यात्म के जो है हमें समझना है कि कितना ही भौतिक चीज कर लें तो कल्याणकारी सही रूप में नहीं है। तो महाराज कि अगर हम बच्चों को अध्यात्म नहीं देंगे, भक्ति के बारे में ज्ञान नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से जो बाहर की चीजें हैं जैसे काम क्रोध लोभ सब बाहर जैसा फैला हुआ है, उनके चंगुल में पड़ जाएंगे।
तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हमें अपने बच्चों को जितना हो सके आध्यात्मिक चीज देना चाहिए, जिससे वो बाहर के इन सब चीजों के आकर्षित ना हो। जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं कि अगर आपने अच्छे से भोजन किया होगा घर में, तो फिर बाहर आप किसी भी जो है भोजन की चीजों को देख के आकर्षित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका पेट भरा है। तो अगर बच्चों को आध्यात्म ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त होगा, तो फिर वो भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो महाराज जो है बता रहे थे कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जो है एक लीडर है, एक प्रमुख व्यक्ति है, भले ही वो माता पिता हो या माता पिता नहीं है तो भविष्य में वो माता पिता बनेंगे विवाह करने के बाद, या टीचर हैं, या जो भी हम लोग अपने प्रोफेशन में कार्य कर रहे हैं, हम लोग सब लीडर हैं। और महाराज बता रहे थे एक लीडर का कर्तव्य क्या होता है। और महाराज बता रहे थे ये हमारे भारत की संस्कृति है, भले ही आप महाराज युधिष्ठिर को लें, महाराज परीक्षित को लें, सब जो हैं अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे और ये नहीं सोचते थे कि मैं राजा हूं, वो सोचते थे कि मैं पूरी प्रजा का दास हूं। और महाराज ये जीबीसी मीटिंग में भी कई बार बताए हैं, महाराज बोले कि हमारा बाहरी रूप से अलग अलग हर एक का जो है कार्य होगा, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई घरेलू औरत है, कोई आईवाईएस के लड़के लड़कियां हैं, महाराज बोले कोई प्रेसिडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, महाराज बोले एक्सटर्नली हमारे अलग अलग पोजीशंस हैं, इंटरनली हमें ध्यान रखना है हम लोग हमेशा सभी भक्तों के दास हैं, हम हर एक भक्त के दास हैं, भले वो हमारे परिवार वाले हैं, दूसरे वैष्णव हैं, हमारा अस्तित्व एक ही है कि हम सभी के सर्वंट हैं, सबके दास हैं, वो हमें मन में बनाए रखना है। तो जब हम वो बनाए रखेंगे तो हम कभी अपराध नहीं करेंगे, हम कभी किसी पे चिल्लाएंगे नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा प्रेम स्वभाव से सबसे व्यवहार करेंगे। तो महाराज बता रहे थे कि कैसे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज में ये भावना थी कि वो अपने आप को राजा नहीं सोचते थे, वो सोचते थे मैं दास हूं मेरे जितने भी प्रजा है, और उस भाव में उनकी सेवा करते। और महाराज रामायण का वर्णन कर रहे थे कि प्रभु श्री राम भले ही राजा थे और उन्होंने रावण का अंत किया था, लेकिन जब वो अयोध्या में आए तो अयोध्या में राजसभा में वो हरेक से मिलते थे, उनके मंत्रियों से लेके जो सबसे निम्न चांडाल है, जो सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति है, उसको भी समय देते थे, उसको भी बोलते थे अगर आपकी कोई भी तकलीफ है मैं दूर करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं प्रतिनिधि हूँ। तो ये है हमारा धरोहर हमारे देश का, जो सबसे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस करके बोलते हैं, यूएसपी यूएसपी करके जो है मार्केटिंग वर्ल्ड में बड़ा फेमस है। तो भारत का सबसे मूल्यवान चीज है हमारा आध्यात्म ज्ञान। तो जब ये आध्यात्म ज्ञान के हिसाब से हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हम अपना जीवन सार्थक करते हुए दूसरों का जीवन भी सार्थक करेंगे। महाराज बोल रहे थे जो सीबी थे, अभी सीबी हमें मालूम है वो राजा थे और एक जो है कबूतर उनके आश्रय में आता है, और फिर हमने वो कहानी मालूम है सबको, संक्षेप में बताऊंगा कि उसके पीछे एक चील भी आता है, तो जो है कबूतर बोलता है कि मैं प्रजा हूं मुझे रक्षा करिए, और चील बोलता है मैं भी आपकी प्रजा हूँ मुझे इसको खाना है, तो वो बोलता है नहीं मुझे, महाराज सीबी बोलते हैं मुझे, मैंने उसको आश्रय दिया है, तो बोले फिर मेरे भोजन का क्या, तो वो अपने शरीर से मांस काट के वजन में डालने लगते हैं। तो देखिए वो अपना जीवन जो है खतरे में डाल दिए और अपना पूरा जीवन देने के तैयार कर रहे थे, किसके लिए, कबूतर के लिए। तो अभी सोचिए उधर की जो प्रजा थी वो कितनी सुरक्षित अपने आप को अनुभव कर रही थी कि हमारे राजा एक कबूतर के लिए अपना जान दे सकते हैं, तो बाकी सब प्रजा वालों का क्या, प्रजा वालों के लिए कितना कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो है कोई भी माता पिता है तो उनको सबको ध्यान रखना है कि जो हम पे निर्भर लोग हैं तो उनका हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, तीनों रूप से हमें उनका ध्यान रखना है, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। क्योंकि हो सकता है कई बार जो है लोग शारीरिक रूप से पैसा दे देते हैं, भोजन दे देते हैं, कपड़े घर सब दे देते हैं, पर उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी जो भावनाएं हैं उसको ध्यान नहीं देते। जैसे बोलते हैं ना समय देना चाहिए, अगर आप किसी को समय देते हैं तो फिर उनको अच्छा लगता है, भले वो परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, बीवी है, जो भी है, तो उन सबके साथ समय देते हैं तो इमोशनली उनको अच्छा लगता है। लेकिन इसके ऊपर आता है स्पिरिचुअल, क्योंकि अगर आप आध्यात्मिक उनको नहीं दे रहे हैं
तो फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरना। तो बताया जाता है कि हमारा जीवन का धर्म क्या है, कि हम ईमानदारी से जीवन व्यतीत करें, ईमानदारी से पैसा कमाएं और दूसरे लोगों के कल्याण के लिए हमेशा मदद करते हैं। तो महाराज एक जो है जो टेरी करके हैं, ये सबसे आप गूगल कर सकते हैं, सबसे प्रसिद्ध बास्केटबॉल कोच रह चुके हैं अमेरिका में, मतलब तीन विश्व में सबसे प्रसिद्ध जो हैं फेमस वो बास्केटबॉल कोच में से रह चुके हैं। और महाराज उनके साथ थे और वो एक जगह बता रहे थे जो टेरी कि मतलब उनके पास धन तो ऐसे प्रचुर मात्रा में है हम कोई सोच भी नहीं सकता, और वो सबसे प्रसिद्ध हैं विश्व भर में बास्केटबॉल में, स्पेशली अमेरिका में। तो वो बोल रहे थे अपने प्रवचन में कि सबसे ज्यादा खुशी मुझे इसमें नहीं मिल रहा कि मेरे पास जो है करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, वो बोल रहा है मुझे खुशी इसमें मिल रहा है क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था मेरे पिताजी शराब पीते थे और शराब पी के रोज झगड़ा करते थे, तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था, लड़का था, मैं क्या करता था तो मैं बास्केटबॉल लेके जाता था और बास्केटबॉल जो है मार मार के खेलता रहता था, डालने की कोशिश करता था, और मेरी युवा शक्ति की जितनी एनर्जी था वो पूरा मैं उस बास्केटबॉल में डाल देता था, उसको मारते हुए पीटते हुए और उसको गोल में डालते हुए। तो ऐसे मेरी पूरी जवानी के दिन गए हैं और उसके बाद मैं बास्केटबॉल एक्सपर्ट बन गया हूँ और फिर भविष्य में जाके मैं कोच बना। तो फिर वो बोल रहे थे जो टेरी कि मैंने फिर भले ही मेरे पास इतना सब पैसा आ गया था, मैंने एक संस्था बनाई जहां मैं बच्चों को काउंसलिंग दे रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था बचपन में मेरे पिताजी के शराब पीने से और झगड़ा करने से मेरे मानसिक अवस्था कितनी बिगड़ गई थी। तो मैं सभी बच्चों को काउंसलिंग दे रहा हूँ और प्रोफेशनल काउंसलर्स उन्हें बुलाए हैं और उन्होंने काफी पैसा खर्चा किया, और बोल रहे हैं मेरे जीवन का कामयाबी ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोच बना हूँ, मेरे जीवन का कामयाबी ये नहीं है कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और मेरा जो टीम है वो न्यूयॉर्क में सबसे अमेरिका में सबसे टॉप में कई साल जीतता रहा। बोल रहे मेरा कामयाबी ये है कि मैंने बच्चों की ये सेवा की, उनके लिए काउंसलिंग का प्रोग्राम बनाया जिससे हजारों की संख्या में बच्चों को आश्रय मिल रहा है। तो देखिए भौतिक जगत में भले आप सिंधु ताई का उदाहरण दें, भले आप जो टेरी का उदाहरण दें, आप कितने सारे लोगों का उदाहरण देख रहे हैं जो आपको मालूम चलेगा कि जब उन्होंने लोगों का कल्याण के लिए कार्य किया उनको लगता है वो सबसे उत्तम चीज है, ना कि पैसे कमाना बाकी सब करना। तो वो सब हमें करना है लेकिन साथ साथ जो है भौतिक और आध्यात्मिक रूप से लोगों का कल्याण करना चाहिए। महाराज एक और उदाहरण देते हैं कि एक बड़े सर्जन है, विश्व प्रसिद्ध सर्जन है, तो वो सर्जन सिर्फ टॉप फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस या स्पोर्ट्स स्टार या फिर जो पॉलिटिशियंस है पूरे वर्ल्ड के, सिर्फ इन तीन ही कैटेगरी के लोगों का ऑपरेशन करते हैं और किसी का ऑपरेशन नहीं करते, क्योंकि वो इतने प्रसिद्ध हैं पूरे विश्व भर में और वो एक ऑपरेशन का जो है कई करोड़ रुपया लेते हैं। और ये जो इतने भी टॉप के लोग हैं, पॉलिटिशियंस बोलिए, फिल्म स्टार बोलिए, स्पोर्ट्स स्टार बोलिए, वो देने के लिए तैयार है, तो उनके पास समय ही नहीं रहता, वो सिर्फ इन्हीं लोगों का ऑपरेशन करते हैं। तो बता रहे थे कि उनके घर पे जो अखबार देने आता है वो लड़का अपंग था, पैर से लंगड़ा लंगड़ा के चलता था, क्योंकि ये इतने बड़े सर्जन थे और तो उन्होंने देख के समझ लिया कि अरे इसका तो ऑपरेशन करेंगे ठीक हो जाएगा, पर निश्चित रूप से उनको मालूम था इसके पास पैसा नहीं होगा क्योंकि ये तो इतना गरीब है अखबार डालता है। तो इसने बाजू में जो हॉस्पिटल था उनको फोन किया और बोला कि मैं सो एंड सो सर्जन बोल रहा हूँ। तो सब लोग प्रभावित हो गए, इतने विश्व प्रसिद्ध सर्जन का फोन आया, तो बोले मैं आपके हॉस्पिटल में आके ऑपरेट करूंगा तो आप लोग सब सीख सकते हैं, देख सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ अवश्य आइए आप। तो उन्होंने इस लड़के को बोला मैं तुम्हारा फ्री में ऑपरेशन करता हूँ करके, तो तुम चलने लग जाओगे अच्छे से। तो खुश हो गया, बोले मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोले चिंता मत करो वो मैंने प्रबंध कर दिया है। तो उस लड़के को हॉस्पिटल में ले गए, ऑपरेशन कर दिया और वो चलने लग गया। तो उस लड़के ने जो है जब वो चलने लग गया तो उसने उनको आके इतना ही बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है पर मैं आपको अपने दिल से इतना आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं छोटा हूँ आपको आशीर्वाद भी नहीं दे सकता, पर मैं दिल से जो भी है दुआ लग रही है आपको कि आपने इतना अच्छा काम किया मेरे को, मेरा पैर आपने वापस ठीक कर दिया, मैं अच्छे से चल सकता हूँ, तो जो मुझे दिन जीवन भर खुशी मिलेगी उसका कारण आप हो, तो ये सोचते हुए मैं आपको हमेशा याद करूंगा। तो ये जो सर्जन थे वो अपने टॉक में बता रहे थे
कि मैंने करोड़ों रुपए लेके बड़े बड़े लोगों का सर्जरी किया है विश्व के, लेकिन मुझे असली में संतुष्टि तब प्राप्त हुई जब मैंने इस बच्चे का ऑपरेशन किया, जबकि मुझे मालूम था मुझे एक रुपया नहीं मिलने वाला। तो जब भी कोई सेल्फलेस सर्विस करता है, उस सेल्फलेस सर्विस में उनको ज्यादा संतुष्टि मिलती है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों का कल्याण कर रहा है। और संपूर्ण रूप से कोई आध्यात्मिक रूप से कल्याण करे तो उसका तो सबसे जो है जीवन मृत्यु के चक्कर से ही वो निकल सकते हैं। तो देखिए, जब हम सेवा करने की बात करते हैं तो एक चीज होता है, जब बोलते हैं कि हाँ मुझे सेवा करना है, सेवा करना है, लेकिन बोलने के बाद हमें करना चाहिए, और करने के साथ साथ हमारी भावना भी होनी चाहिए। तो बोलना, करना और भावना, तीन स्तर है, ध्यान रखिए। एक चीज है बोलना, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं कि हाँ हमारा सेवा का भाव होना चाहिए। दूसरा है बोलने के बाद करना, और तीसरा है जो है उसकी भावना रखना, उसकी चेतना रखना। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बोलते हैं सेवा एक चीज होती है और सेवा भाव दूसरी चीज होती है। कभी कभी लोगों में सेवा भाव नहीं होता लेकिन फिर भी सेवा कर लेते हैं नाम के लिए, मतलब जो है कभी कभी कई लोग का होता है ना, जैसे भक्ति रसामृत महाराज के साथ है, भक्ति रसामृत महाराज ने एक देखा, एक भक्त ने झाड़ू मारा और झाड़ू को पटक दिया, फेंक दिया, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया ऊपर से। तो भक्ति रसामृत महाराज उसको बुला के बोले, तुमने झाड़ू फेंका है इसका मतलब ये है तुम्हें झाड़ू नहीं मारना था, तुम्हें जोर जबरदस्ती कारण तुमने झाड़ू मारा है। तो उनको सिर्फ एक चीज देख के समझ में आ गया कि वो अगर फेंक रहा है इसका मतलब उसका मन नहीं था उस कार्य करने में। तो वैसे ही हमारा मन होना चाहिए कई कार्य करने में, तो वो चेतना है, और निश्चित रूप से शारीरिक रूप से करना चाहिए और बोलना भी चाहिए उसके बारे में। तो हम जब सेवा सेवा बोलते हैं, सेवा भाव, तो हमारी चेतना वैसे होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण गीता में भी यही चीज बतलाते हैं कि भाई सबसे पहला उत्तम श्रेणी है पूरी तरह से शुद्ध हमेशा भगवान का चिंतन करते रहो। वो नहीं कर सकते तो दूसरा हमारा स्तर आता है जहां हम सोलह माला करते हैं, चार नियम पालन। जैसे कई भक्तगण बोलते हैं कहां लिखा है गीता में सोलह माला जप करने को, दिखाओ मुझे श्लोक दिखाओ, 700 श्लोक में कहां कृष्ण भगवान ने बोला है सोलह माला जप करो। तो भगवान ने सोलह माला जप करने को नहीं बोला है, भगवान ने बोला 24 घंटा जप करो, सततम कीर्तयन्तम नवे अध्याय में। तो सततम बोला है, तो हम लोग सततम नहीं कर सकते, इसलिए प्रभुपाद बड़े कृपालु हैं, बोले सिर्फ 2 घंटा सोलह माला जप करो। तो भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं कि हमेशा चिंतन करो, हमेशा नहीं कर सकते तो कम से कम 16 माला करो, 4 नियम करो। कोई बोलेगा मैं वो भी नहीं कर सकता, तो बोलते हैं ठीक है कम से कम कृष्ण भक्तों को मदद करो, वो लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें जो भी सहायता लगती है वो मदद करिए, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम कल्याणकारी कार्य करिए। जैसे हमने इतने सारी कहानियां सुनी सिंधुताई की, ये जो सर्जन थे, जो टेरी का, ये सब कहानी हमने सुना कि चलो दूसरे लोगों का कल्याण करिए, क्योंकि अगर आप दूसरों का कल्याण करेंगे तो उनका आशीर्वाद से कभी ना कभी आप भक्ति से जुड़ पाएंगे और फिर कार्य कर पाएंगे। तो महाराज बता रहे थे अभी जो ऋषिकेश मफतलाल हैं, कृष्णचंद्र प्रभु, उनके पिताजी अरविंद मफतलाल, तो लोगों उनको तभी याद करते हैं, आपके पास कितना ही पैसा होगा तो पैसे के लिए कोई आपको याद नहीं करेगा, याद रखिएगा ये महाराज बता रहे थे। ये सब साक्षात्कार मेरा नहीं है, मैं सिर्फ महाराज के जो है प्रवचन दोहरा रहा हूँ, तो मैंने जो सुना है उनसे। तो मतलब इतने महान भक्त के साथ होने का इतना फायदा ये होता है कि हम जो है इतना ऊंचा साक्षात्कार समझ सकते हैं और वो अपने जीवन में अपना सकते हैं। आपके पास कितना भी पैसा होगा तो आपको कोई सम्मान लोग दे देंगे ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए, लेकिन अंदर से आपसे द्वेष करेंगे, और आपके जाने के बाद तो आपके पास पैसा है करके कोई भी आपको याद नहीं करेगा। आपको तभी कोई व्यक्ति याद करेगा जब आप जो है निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें, लोगों की मदद करें। और कृष्णचंद्र प्रभु के पिताजी, मतलब ऋषिकेश मफतलाल के पिताजी अरविंद मफतलाल, अपने पूरे कपड़े के मिलों को बंद कर देते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज से समझ लीजिए 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 1970-1980 की बात बता रहा हूँ, कि जब उनको मालूम चलता था कहीं भी राजस्थान में, गुजरात में, या तो बाढ़ आया हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो सारे मिल बंद कर देते थे और मिल के सारे वर्कर को लगाते थे सुकड़ी बनाने के लिए, और एक एक सुकड़ी होता था पाव पाव किलो का,
जो गुड़ से बनता था, चीनी से बनता था, और जो है एक एक बड़ा बड़ा, और ऐसे बोलते हैं भर भर के, कार्टन भर भर के बना के जो है टन्स में वो ऐसे जगह पे भिजवाते थे जहाँ पे लोगों को ये सुकड़ी दिया जाए जो है आटे का और गुड़ का जो बना हुआ एक बड़ा बड़ा ये है, जिससे वो खा के कम अपना जो है जीवन तो निर्वाह कर सकें। तो ऐसा भाव होने के कारण जब अरविंद मफतलाल जी ने अपना शरीर त्यागा तो प्रभुपाद के तिरुभाव और उसी दिन उनके गुरु महाराज का भी तिरुभाव था। तो वो भी चित्रकूट में थे और चित्रकूट में रहते हुए राम की कथा, क्योंकि वो राम के भक्त थे, उन्होंने शरीर त्यागा। मैंने खुद ने उनको कई बार देखा था जो है, और वो जब राधानाथ महाराज के पेरेंट्स से मिले तभी हमें मालूम है मफतलाल मतलब कितने हजारों करोड़ के एम्पायर हैं वो। तो अरविंद मफतलाल ने कृष्णचंद्र राधानाथ महाराज के पिताजी को बोला कि हमारे पास असली धन नहीं है, हमारे पास असली धन नहीं है, असली धन तुम्हारे बेटे के पास है, राधानाथ स्वामी के पास। क्यों? क्योंकि वो भगवान के ऐसे ऐसे जो भक्त हैं, इतनी उनमें भक्ति है, तो उनका धन हमारे धन से भी बढ़कर है, क्योंकि हमारा धन तो इस भौतिक जगत में रह जाएगा, उनके पास आध्यात्मिक धन है जो सबको बांटते जा रहे हैं और सबका उद्धार कर रहे हैं। तो राधानाथ महाराज के पिताजी बहुत इंस्पायर हो गए और उन्होंने जाके अपनी बीवी को बोला, देखो इतने बड़े बिजनेसमैन ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए जो है हमें समझना है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवन में अध्यात्म है, और अध्यात्म के लिए हमें क्या कार्य करना है वो जानना जरूरी है। जैसे हम लोग ने शुरुआत की आनंदमय अभ्यासात प्रश्न से, और राधानाथ महाराज का मैंने जैसे बताया कितनी बार महाराज मेरे से जब भी मिलते थे महाराज एक ही प्रश्न पूछते थे, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। तो हमें कल के लिए इंतजार नहीं करना है खुश होने के लिए, प्रश्न ये है कि क्या आज हम खुश हैं कि नहीं। और हमें मेहनत करना चाहिए कि रोज के जीवन में जो भी कृष्ण भगवान ने हमें अपने जीवन में दिया है, जैसे भी हमें परिस्थिति दी है, जितना भी हमें बुद्धि दी है, जितना भी हमें धन दिया है, जितना भी हमें अवसर दिया है, उस अवसर के साथ अगर हम नित्य रूप से रोज के दिन में अगर अच्छे से माला कर रहे हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप आज हर एक दिन में भी संतुष्ट रहोगे, खुश रहोगे। जैसे महाराज कहते हैं हैप्पी डिवोटी स्टेज इन भक्ति। अगर भक्ति में हमें जीवन भर टिकना है तो हमें आज महाराज का व्यास पूजा है, आज महाराज का जन्मदिन है, तो हमें एक चीज सीखना है, हमें रोज खुश रहना पड़ेगा, और हमें सीखना पड़ेगा कैसे खुश होना है। हो सकता है हमारा वातावरण अनुकूल ना हो सकता है कि हम लोग लॉकडाउन में हो सकता है हम लोग कमरे में बैठे हो सकता है हमारे पास इतने फैसिलिटी ना हो, लेकिन अगर हम कृष्ण से जुड़ जाए, कृष्ण की भक्ति करें, लोगों की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, हम हर परिस्थिति में खुशी ढूंढ सकते हैं। और अगर आज हम हैप्पी हैं और रोज हम हैप्पी रहेंगे तो भक्ति में टिके रहेंगे, नहीं तो बाहर की दुनिया पूरी फ्रस्ट्रेशन में तो जूझ रही है। अगर मैं अपने व्यक्तिगत रूप से जितना मैंने महाराज के साथ अनुभव किया है तो मैं आपको बता सकता हूँ, महाराज में जो है कई गुण हैं, उसमें से दो तीन गुण मैंने लिखे हैं कि महाराज बहुत मेहनत करते हैं। जैसे हमने सुना कई, मैंने पहले प्रवचनों में बताया, महाराज पांच पांच रात सोते नहीं थे। हम लोग एक रात को नहीं सोएंगे या एक रात को हम कम सोते हैं तो अगले दिन हमें मालूम है कितना मुश्किल होता है, अगले दिन संघर्ष हो जाता है हमारा। तो महाराज कई रातों तक पांच पांच रात छह छह रात सोए नहीं है रात भर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उस समय किया था, उसके बाद मुझे याद है 97, 98 की 99 की बात है, महाराज इंटरनेशनल फ्लाइट से आते थे, उसके बाद महाराज 1 बजे आते थे, 12-1 बजे, उसके बाद सोते नहीं थे महाराज। महाराज थोड़ा प्रसाद साथ लेके नहा धो के जो है जपा उपा करते थे और फिर 5 बजे मंगल आरती में आ जाते थे। तो मैंने कई बार महाराज को देखा है रात भर सोते नहीं थे महाराज। तो महाराज जो है बहुत मेहनत करते थे, और मेहनत करना एक बहुत जरूरी चीज है कि हम अपना समय व्यर्थ में सोने में बर्बाद न करें। प्रभुपाद जब सोने जाते थे दिन में कभी भी, क्योंकि रात भर प्रभुपाद तो जागते थे, भागवतम ट्रांसलेट करते थे, तो हरीशोरी प्रभु बताते हैं और श्रुति कीर्ति प्रभु, दोनों जन अनुभव किया है, प्रभुपाद सोने से पहले बोलते थे मैं अपना समय बर्बाद करने जा रहा हूँ, ऐसे करके प्रभुपाद बोल के सोते थे। लेकिन वो प्रभुपाद थे, आचार्य थे, वो हमें सिखाना चाहते थे कि भाई वो तो रात भर जागते थे तो दिन में आधा घंटा एक घंटा वो आराम करते थे, वो तो ठीक है, पर हमें समझना चाहिए। जो भी मैंने एक बाहर सुना था
जो सोवत सो खोवत, जो सोता है वो खोता है, मतलब वो अपना समय बर्बाद कर देता है। जितना मतलब जितना शरीर के लिए चाहिए उतना सोना जरूरी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सो के समय बर्बाद करें वो उत्तम नहीं। और फिर जो है महाराज जो है बहुत ही शार्प है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब सिर्फ कोई मेहनत करता है तो मेहनत करने से निश्चित रूप से कोई कामयाब नहीं हो सकता है। कई बार तो कई लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ आप बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो है कोई मजदूर भी मेहनत करता है सुबह से रात तक, लेकिन मेहनती है वो, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जब तक वो बुद्धिमान ना हो वो ज्यादा कार्य नहीं कर पाता। और यहाँ तक कि इसके ऊपर मैं आपको उदाहरण दूंगा कि एक बार जो है सब काउंसलर्स मीटिंग कर रहे थे, और उसमें जो मेन काउंसलर्स थे उसमें सब सीनियर ब्रह्मचारी भी थे, उसमें मफतलाल और जो है देसाई जी सब लोग थे, कृष्ण चंद्र प्रभु, शिनाजी प्रभु। उसमें वो लोग को ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लोगों को रोका जाए जो लोग सिर्फ प्रसाद के लिए आते हैं। अब ये राधा गोपनाथ मंदिर में आपको मालूम है 88 से संडे फीस प्रोग्राम चालू है, और एक टाइम पे ऐसा आ गया कि लोग सिर्फ खाना खाने आ रहे थे, तो लोग प्रवचन में नहीं बैठते थे, सिर्फ टाइम पे लास्ट मोमेंट में प्रसाद के लिए आ जाते। तो सब लोगों ने 1-1.5 घंटा मीटिंग किया, पर मीटिंग के बाद कोई समाधान नहीं निकालिया, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ था। तो फिर जब महाराज जा रहे थे दूसरे कार्यक्रम के लिए उसी दिन संडे को, तो कृष्ण चंद्र प्रभु ने बोला महाराज हम लोग इसका समाधान नहीं निकाल पाए। तो महाराज एक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में चलते चलते महाराज ने बोला एक काम करो आप लोग कूपन सिस्टम स्टार्ट कर दो, और महाराज चले गए गाड़ी में बैठ गए प्रोग्राम के लिए। तो कृष्ण चंद्र प्रभु बोल रहे थे और गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि हम लोग IIT के हैं, कृष्ण चंद्र प्रभु बोल रहे हैं इतने सारे हम लोग कंपनी संभाल रहे हैं, जो हम लोग घंटों घंटों में नहीं निकाल सकते समाधान, राधानाथ महाराज इतने तेज हैं कि वो एक पल में सॉल्यूशन निकालते हैं, समाधान निकालते हैं। और तब से देखेंगे कि अभी भी कूपन सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, जिसके कारण जिसके पास कूपन है उसी को प्रसाद मिलेगा, जिसके पास कूपन नहीं है तो उसको जो है पैसा देना पड़ता है। तो अभी देखिए महाराज के हजारों में शिष्या हैं, भक्तिवृंदावन हॉस्पिटल, गोपाल गार्डन, गोवर्धन इको विलेज, ऐसे बड़े बड़े पूरे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सब का कारण महाराज बताते हैं कि मैंने लोगों को स्वतंत्रता दी कार्य करने के लिए, कि मतलब मैं लोगों के पीछे नहीं पड़ा रहता हूँ, मैं उनको सिर्फ इंस्पायर करता हूँ कि लोग जो है कार्य करते हैं। तो महाराज के निजी जीवन में जो मेरा अनुभव रहा है, महाराज बहुत ही नम्र है, और महाराज अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, सब दूसरों के सेवा में लगाते हैं, इसलिए बाकी सब भक्तगण भी प्रेरणा लेते हैं। और जो धनी व्यक्ति हैं वो लोग धन लगाते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो बुद्धि लगाते हैं और कार्यशील होते हैं। तो देखिए राधा गोपनाथ मंदिर एक अलग मंदिर है पूरे विश्व में, जहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट के लिए 3 चीज लगता है। एक पहला जिसको दिव्य दृष्टि हो, जिसको इंग्लिश में विजनरी बोलते हैं, तो वो राधानाथ महाराज है। राधानाथ महाराज का विजन रहता है, तो पहला सिर्फ विजन होने के बाद जो है दूसरा लगता है फाइनेंस टीम, जो खूब सारा पैसा दे, और तीसरा होता है एग्जीक्यूशन टीम, मतलब पैसा देने के बाद काम करवा के ले। तो राधा गोपनाथ मंदिर में जो है महाराज की तपस्या से, महाराज ने इतना भक्ति किया है उसके कारण, जो महाराज के पास तो दिव्य दृष्टि है, जिसके कारण भक्तिवृंदावन हॉस्पिटल है, स्कूल है, गोवर्धन इको विलेज और हजारों ऐसे प्रोजेक्ट चलते जा रहे हैं। और उसके बाद पीछे से काफी भक्त हैं जो महाराज ने जो बोला उसको सच करने के लिए, धन देने के लिए तैयार रहते हैं। और काफी क्वालिफाइड ब्रह्मचारीज हैं और कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज हैं जो पूरी तरह से उसको एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो कोई भी चीज को सक्सेसफुल होने के लिए विजन लगता है, पैसा लगता है और फिर मेहनत लगती है उस कार्य को संपन्न करने के लिए, जिसके कारण हो। तो महाराज के जीवन में व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि मैं महाराज के साथ कई बार बहुत क्लोजली काम किया हूँ और मुझे मालूम है, मैं कई बार महाराज के साथ रात रात को उनके कमरे में चला गया हूँ काम के कारण, तो अपने लिए नहीं काम के लिए। जैसे एक बार जो है शिनाजी प्रभु के लड़के आए थे और उनको उन्होंने शादी किया था, 99 की बात है, 21 साल पहले, तो वो महाराज से मिलने आए थे। तो मुझे बोला गया जाके महाराज को बताए कि ये लोग आए हैं मिलना चाहते हैं। तो मैं महाराज के कमरे में गया रात को 9:30 के करीब, महाराज सोने वाले थे क्योंकि सुबह को उठना था 4:30 बजे का, तो उस समय मैं गया तो महाराज सोने वाले थे। तो महाराज ने गमछा पहना था और एक टी शर्ट पहना था,
और टी शर्ट में कम से कम 15 छेद थे, मुझे अच्छे से याद है, उस टी शर्ट में कम से कम 15 छेद थे, तो महाराज वो पहन के सोते थे। तो ये महाराज का भाव है, भले आचार्य हैं, भले गुरु हैं, पर जब उनका पर्सनल लाइफ आता है, प्राइवेट लाइफ आता है, तो महाराज बिल्कुल एकदम बोलते ना आम व्यक्ति से भी निम्न रूप से जीवन जीते हैं। तो महाराज को मैंने बोला, महाराज श्रीनाथ जी प्रभु के लड़के हैं आशीर्वाद लेने के लिए आपसे। तो महाराज ने बोला मुझे 5 मिनट दो, मेरे को तैयार होना पड़ेगा और 5 मिनट के बाद लेकर आओ। फिर महाराज ने अपना संन्यास का जो है कुर्ती और वो सब पहन लिया और उनके साथ किया। पर महाराज का प्राइवेट लाइफ में आप देखिए एकदम महाराज सिंपल है, यहाँ तक कि महाराज पूरा जीवन पेड़ के नीचे सोए हुए हैं। मालूम है हमको जब जर्नी होम पढ़ रहे हैं तो महाराज पेड़ के नीचे सोते हैं, यमुना के तट पे सोते हैं, महाराज कमरा भी पसंद नहीं है। तो इसलिए महाराज अभी पिछले 50 साल में राधा गुणनाथ मंदिर में सिर्फ चटाई पे सोते हैं, चटाई पे बैठते हैं। तो जितने भी भक्तगण है वो देख रहे हैं, सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, रात रात भर जागते हैं, और अपने लिए खुद के जीवन में चटाई पे सोना, ऐसे कपड़े पहनना, सरल से सरल। तो ये महाराज की जो सरलता है वो पूरे विश्व में लोगों को जो है आकर्षित करती है कि भाई इस व्यक्ति को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं कई बार महाराज के संग में था, मैं और भी एक दो कहानियां आपको बताता हूँ कि जो महाराज का दरवाजा है, जो अभी आप लकड़ी का दरवाजा देखते हैं, उसके जगह पे इन्होंने ऑफिसों में कैसे कांच का दरवाजा होता है, तो कांच का दरवाजा लगा दिया था। महाराज अमेरिका गए थे अपने प्रचार के, जब वापस आए तो महाराज ने देखा लकड़ी का दरवाजा हटा दिया है। वो जो होता है ना कंपनियों में एकदम अच्छा लगता है कांच का हैंडल, तो वो लगा दिया था। तो महाराज की सिंप्लिसिटी, सरलता इतनी है, महाराज ने बोला जो है प्रेसिडेंट्स को बुला के, 1 घंटे के अंदर अगर ये दरवाजा यहां से बदला नहीं और लकड़ी का दरवाजा नहीं लगाया तो मैं सीधा वापस अमेरिका चला जाऊंगा, 1 घंटे के अंदर, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो 1 घंटे के अंदर घाई में सुतार को बुलाया और फटाफट वो कांच का जो है दरवाजा हटा दिया। तो महाराज को जरा भी ऑपुलेंस, ऐश्वर्य बिल्कुल भाता नहीं है, एकदम सरल। महाराज का जो कमरा है वो इन्होंने पीछे एक्सटेंड कर दिया और बड़ा कर दिया महाराज को। तो महाराज वापस आए अमेरिका से, महाराज देखे इतना बड़ा कमरा कर दिया मेरे लिए, तो बोले अरे ये तो फुटबॉल ग्राउंड जैसा है। महाराज बोले नहीं चाहिए मुझे, वापस से उतना ही छोटा कर दो, मुझे बड़ा कमरा भी नहीं चाहिए। तो देखिए महाराज का हर चीज में जो है महाराज ऐसा करते हैं। तो जैसे एक अंग्रेजी में हम कहावत है जो शायद क्रिश्चियन में चैरिटी में बोलते हैं कि हाँ सेंट जोसेफ ने या उनके जो जीसस क्राइस्ट के अनुयायी हैं उन्होंने बताया, योर एक्शंस आर सो लाउड दैट आई कांट हियर यू। आपके एक्शंस, आपके जो कार्य हैं वो इतने, उसको देख के मैं इतनी प्रेरणा प्राप्त कर रहा हूँ कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब हमें अपने जीवन के कार्यकलापों से, हमारे एक्शन से लोगों को बताना चाहिए सही भक्ति का मार्ग क्या है, उसको देख के लोग प्रेरित होंगे, ना ही हमारे प्रवचन से। प्रवचन ठीक है, बोलना चाहिए, बताना चाहिए, पर उसका व्यक्तिगत, उनका जो आपका लाइफस्टाइल है वो देख के जो है आकर्षित होना चाहिए। अभी जैसे गौरवपुर बता रहे थे, हमारे कोई भी प्रोजेक्ट में सबसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट इज गोविंदास रेस्टोरेंट। क्यों गोविंदास रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबल है? क्योंकि गोविंदा में आप मानेंगे नहीं मानेंगे, अभी लॉकडाउन का मालूम नहीं, पर पहले तो कम से कम 1,00,000 रुपया पर डे का प्रॉफिट निकलता था। आपको मालूम है होटल में, रेस्टोरेंट्स में इतना प्रॉफिट आ जाता है। महाराज कभी गोविंदा के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, महाराज कभी उस रेस्टोरेंट या उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। महाराज को पैसे में रुचि है ही नहीं। महाराज बोले मुझे रुचि किसमें है? लोगों के हृदय में मंदिर बनाना है। यहाँ तक कि मुझे बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाने में भी रुचि नहीं है, लोगों के हृदय में मंदिर बनाना, अर्थात लोगों का हृदय में परिवर्तन करना। तो जब लोगों के हृदय में परिवर्तन आ जाएगा, वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे, वो लोग हैप्पी रहेंगे और वो दूसरों को भी संतुष्ट रखेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे। तो जो भी भक्ति मार्ग से जुड़ेगा वो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन उसको प्रामाणिक रूप से जो है अहेतुकी भक्ति करनी है, मतलब अपनी इच्छा और अपना इंद्र भोग रखते हुए भक्ति नहीं करना है, सिर्फ सेवा भाव से आपको भक्ति करना है। तो मैं एक दो और पास्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि आज महाराज का प्राकट्य दिन है, अपीयरेंस डे है। तो महाराज देखिए किसको मूल्य देते हैं, महाराज के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको एक कहानी से मैं बताता हूँ। जोले बालेश्वर, जोले बालेश्वर मतलब हमारे महाराष्ट्र में एक गाँव है जोले बालेश्वर, जो दौड़ के तरफ उस तरफ पड़ता है, मतलब पूना से भी आगे। वहां के
कई भक्तगण महाराज के लिए जो है उधर से ट्रैवलिंग कर कर आए और उन्होंने महाराज को भेंट दिया। महाराज ने कम से कम आधा घंटा जो है प्रवचन देते हुए महाराज ने बताया कि ये जो भेंट है वो मुझे सबसे प्रिय था। अभी आप बोलेंगे क्या भेंट दिया, ये लोग वहां के किसान हैं और वो किसान जो है पूना से आगे झूले बालेश्वर मतलब कम से कम 7 घंटा लगता है वहां से इधर आने के लिए गाड़ी में, और आपको मालूम है कभी कभी ट्रैफिक में कितना तकलीफ होता है। तो लोग 7 घंटा ट्रेवलिंग कर कर आए और ये लोग किसान हैं और उन्होंने महाराज को क्या भेंट दिया, मूंगफली जो उनका खेत का उगा हुआ था और उसको धोया भी नहीं था, वो मिट्टी लगे हुए होते ना मूंगफली काले काले से जो दिखते हैं मिट्टी लगे हुए, तो वो उन्होंने महाराज को पूरा जो है लाके दिया। तो महाराज बोल रहे हैं अभी हमारे मन में देखा जाए तो मूंगफली का कोई खास ज्यादा मूल्य नहीं है, और महाराज बोलते हैं अमेरिकन वे ऑफ बात करने का है, अगर कुछ जो है अच्छा नहीं लगे तो उसको बोलते हैं पीनट्स, क्या है मूंगफली के समान। लेकिन महाराज बोलते हैं ये लोगों ने 7 घंटा जो है किसान है इतना तकलीफ लेकर आए जो है, और उन्होंने जो उनके लिए सबसे अच्छा था उनका जो खेत का सबसे पहला उपजाऊ मूंगफली था वो मुझे दिया। तो महाराज बोल रहे हैं कि मुझे इतना अच्छा लगा कि लोग इतना तकलीफ लेकर आए मुझे इतना सरल सा चीज देने के लिए, लेकिन ये उनके लिए सबसे बहुमूल्य चीज है। तो महाराज बोलते हैं मैंने सारी मूंगफली मैंने खुद खाई, और महाराज बोल रहे हैं 40 साल बाद आज भी मैं वो मूंगफली खा रहा हूँ और आज भी मैं याद कर रहा हूँ। तो देखिए महाराज महत्वपूर्णता किसको देख रहे दे रहे हैं, आपकी चेतना को, और महाराज हमें सिखाना चाहते हैं कि कोई कुछ भी दे लेकिन अगर वो प्रेम भावना से दे रहे हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये चीज हमारे लिए कृष्ण भगवान भी वही देखते हैं, इसलिए महाराज बार बार बताते हैं हमें कि हमें चीज नहीं देखना चाहिए, हमें क्या चेतना से दिया है वो चीज वो देखना चाहिए। तो भगवान भी ये नहीं देखते कि इसने मुझे क्या अर्पण किया है, भगवान ये देखते हैं इसकी चेतना क्या है, किस भावना से ये मुझे अर्पण कर रहा है, तो भगवान वो देख के प्रसन्न होते हैं। तो ये महाराज अपने शिष्यों को कैसे कैसे ट्रेन करते हैं उसके ऊपर आप लोग को एक दो मैं आपको चीज बता देता हूँ। अभी महाराज जो है गौरांग प्रभु के साथ जिनका डीलिंग हुआ उसके 2-3 इंस्टेंस में आपको बताता हूँ। महाराज जब हमारा मंदिर इतना ज्यादा हमारे पास जगह नहीं था तो सारे ब्रह्मचर्य टेंपल हॉल में सोते थे, आज भी टेंपल हॉल में सब लोग सोते हैं। तो जब दर्शन पट बंद हो जाता है 9:05 को, उसके बाद सारे गेस्ट चले जाते हैं, तो सब ब्रह्मचर्य आते हैं अपनी चटाई लगाते हैं तकिया चद्दर के साथ वहीं टेंपल हॉल में सो जाते हैं, और सुबह 4:30 बजे जब लाइट खुलता है 4 बजे तो सब लोग उठ के जाते हैं वहां से, फिर वहां झाड़ू पोता लगता है और वहीं पे मंगल आरती होती है। तो ये 97-96 की बात है, तब गौरांग प्रभु एक जगह पे सोते थे। अभी हुआ ये, अब मैं जस्ट बता रहा हूँ कि महाराज ने कैसे अपने शिष्यों को ट्रेनिंग दिया है, भले वो कृष्णचंद्र प्रभु हैं गौरांग प्रभु हैं। आप लोग को एक दो कहानी सुनाता हूँ मैं। तो एक बार श्रीधर महाराज आए, दूसरे सन्यासी थे झूके, तो महाराज ने उनको अपना कमरा दे दिया और बोला आप यहाँ रहिए, और महाराज क्या किए बाहर आके चटाई डाल के ठीक गौरांग प्रभु के जगह पे सो गए। जो गौरांग प्रभु प्रोग्राम के लिए जाते थे 95-96 कॉलेज प्रीचिंग के लिए, तो उसमें आए वो अपनी चटाई लेके, और उन्होंने देखा कोई तो भक्त मेरे ही जगह पे सोया हुआ है। अब महाराज भी देखिए अपने भक्तों को ट्रेनिंग देने के लिए कैसे कार्य करते हैं, एक तो उसी की जगह पे सोए और चद्दर इस तरह से डाला कि उनका चेहरा नहीं दिखे, मतलब पूरा सर पे भी चद्दर था। तो गौरांग प्रभु रात को आए बोले मेरे जगह पे कौन सो गया, तो है सन्य है साधु ब्रह्मचारी लेकिन आसक्ति देखिए कैसी होती है, मेरे जगह पे कोई भी सोया। तो गौरांग प्रभु ने अपने जो है आवाज में पूछा कौन है करके, मतलब थोड़ा क्रोध में कि इसको जगह मिली तो मेरी जगह मिली सोने के लिए। तो महाराज ने चद्दर के अंदर से जवाब दिया राधानाथ स्वामी। तो पूरे के पूरी तरह से घबरा गए और बोले महाराज क्षमा करें मुझे लगा कोई तो ब्रह्मचारी है। तो महाराज सिखाना चाहते थे भैया तुम बड़े ब्रह्मचारी बनते हो, बड़ा प्रचार करते हो, आपको जो है वैरागी होना चाहिए और तुम अपने जगह को लेके आसक्त हो और अपने जगह के लिए चिल्ला रहे हो कौन सोया है करके। तो उनका पूरा जो है थोड़ा हवा पूरा बोलते ना अलग हो गया ये सुन के। तो महाराज ऐसे बहुत ध्यान रखते हैं, मैं सोया था एक बार टेम्पल हॉल में ही, तो आँख खुली रात मतलब मैं जस्ट सोया था और 10-15 मिनट में आँख खुली और देखा किसी के तो कोई तो खड़ा है मेरे बाजू में, तो देखता तो राधानाथ महाराज
के खड़े हैं। तो मैं तुरंत दंडवट दिया। तो महाराज बोले, तुम बिना मच्छरदानी के क्यों सो रहे हो? तो मैं बोला, अच्छा महाराज ठीक है, मैं लेकर आता हूँ करके। तो महाराज इतना तक ध्यान रखते थे कि महाराज बोले, अरे भैया मच्छरदानी में सोना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। तो मैं ये अपने जीवन में सीखता हूँ कि कैसे मच्छरों से बचना चाहिए और कैसे ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो हमारा स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। तो उन सब चीजों से बचे रहना चाहिए, महाराज शिक्षण देना चाहते थे कि भाई ऐसे सब नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, अपनी सुरक्षा बनाए रखिए, भले वो मच्छर हो या भौतिक अलग अलग चीजें। तो महाराज दूसरी बार जन्माष्टमी का दिन था, 5 घंटा प्रवचन दिए। और आपको मालूम है जो है प्रवचन जन्माष्टमी के दिन तो कितना थक जाते हैं भक्तगण। तो थक के सब लोग जाके जो है 4 बजे उठते हैं, मंगल आरती था वो था, फिर जपा उपा करके महाराज का प्रवचन चालू हुआ। तो महाराज गुरु पूजा भी 1-1.5 घंटा लीड करते थे, तो उसके 10 बजे प्रवचन करके 2-3 बजे तक चला प्रवचन। तो उसके बाद सारे ब्रह्मचारी सुबह 4 बजे के उठे हुए थे, 12 घंटे हो गए थे, 11-12 घंटे थक के सो गए, उसमें गौरव प्रभु भी सो गए। तो महाराज जपा करते हुए आए आश्रम में, और तो कृष्ण प्रभु उनके पर्सनल सर्वेंट थे, वो भी चल रहे थे महाराज। तो गौरव प्रभु सोए हुए थे, तो बोले उठाओ उसको, जन्माष्टमी का दिन है, सो रहा है ये। तो उठाया, तो गौरव को उठते ही महाराज को बोले, महाराज उनको उनको मालूम ही था कि महाराज आएंगे और मुझे उठाएंगे नींद में से। तो उठते ही बोले, महाराज क्या कृष्ण लीला सुनाई आपने? तो महाराज बोले, मैंने कृष्ण लीला सुनाई वो तो अच्छा है, लेकिन तुम ये महाविष्णु लीला क्यों कर रहे हो? सोए क्यों जन्माष्टमी के दिन? सोना थोड़ी होता है, सेवा करना होता है, जप करना होता है, सोने के लिए थोड़ी बने हैं करके। तो महाराज ऐसे करके कितनी बार जो है अलग अलग तरीके से अपने भक्तों को शिक्षण दिए। कृष्णचंद्र प्रभु को बताया कि भाई लोग जो है बड़ा बड़ा बिजनेस एम्पायर कर रहे हैं। जैसे आज आप कई कंपनियों का नाम सुने तो कई कई कंपनी है जो पूरे इंटरनेशनल फेमस है। तो महाराज बोले, इन कंपनियों का क्या फायदा? अगर आप इनके सीईओ लोग का जीवन देखेंगे तो कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, पर उनका खुद का वास्तविक जीवन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑफिस में ही वो 14-16 घंटा देते हैं, तो इतना समय इधर देंगे तो अपना प्राइवेट लाइफ में दे नहीं सकते। ना उनकी बीवी संतुष्ट है, ना बच्चे संतुष्ट है, ना वो खुद संतुष्ट है, तो उनका खुद का लाइफ बिगड़ जाता है। हाँ, पैसे बहुत आते हैं, पैसे अकाउंट में हैं और वो 5-स्टार होटल में रहेंगे, मर्सिडीज गाड़ी रहेगी, वो सब ठीक है, लेकिन उनका खुद का जीवन क्या है? 16-18 घंटे काम कर रहे हैं वो लोग ऑफिसों में। ये महाराज बता रहे थे वर्ल्ड के टॉप कंपनीज के टॉप सीईओस का जीवन जो है, वो लोग 14-14 घंटे काम कर रहे हैं ऑफिस में। तो महाराज बोले, क्या जीवन है? पर्सनल लाइफ खराब है, फैमिली लाइफ बिगड़ा हुआ है, और आध्यात्मिक जीवन है ही नहीं। फिर से अगले जन्म में अपने कर्मों के हिसाब से कहां जाएंगे मालूम नहीं। इससे बेहतर महाराज बोले कि आप भक्ति करिए, भक्ति करके अपना जीवन सार्थक करिए। और देखिए यही चीज प्रभुपाद ने भी देखा, और प्रभुपाद ने जो है क्रॉस मैदान में 20,000 लोगों के बीच में जो है देखा राधानाथ महाराज को। जो रिचर्ड थे जो भगवान की खोज में आए थे, तो उनको बोला कि जो है इनको लेकर आइए, और उनको अपने साथ पंडाल में बैठाया और प्रवचन पूरा सुनाया। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आज का लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक ही व्यक्ति के मुंह से मैंने एक शब्द सुना है और किसी के मुंह से सुना नहीं लास्ट 25 साल में। ध्यान से सुनिए आप लोग ये चीज, एक ही व्यक्ति के मुख से सुना है। शायद आप लोग भी जितना भी प्रवचन सुन ले किसी का भी, जो राधानाथ महाराज ने स्टेटमेंट बोला है वो और कोई बोल नहीं सकता। तो एक ही व्यक्ति है जो स्टेटमेंट बोल सकते हैं। उन्होंने बोला, बहुत परिश्रम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, और बहुत आपको झेलना पड़ता है अपने जीवन में साक्षात्कार के लिए, टू बिकम सेल्फ रियलाइज्ड। लेकिन अगर एक बार आप सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि जितना भी मैंने तकलीफ झेला है, जितना भी मुसीबतों का सामना किया है, जितना भी मैंने मेहनत किया है, वो वसूल है। मतलब क्योंकि मैंने जो प्राप्त किया है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, उसके लिए कितना भी मेहनत करो वो कुछ भी नहीं है वो मेहनत, क्योंकि मैंने प्राप्त इतना ऊंचा चीज किया है। ये वाक्य किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि जो सेल्फ रियलाइज हो चुका है वो ही ये लाइन बोल सकता है। तो मैं भले ही अपना जीवन भर भागवत प्रवचन करता रहूं, कथा करता रहूं, लेकिन ये स्टेटमेंट मैं कभी नहीं बोलूंगा जब तक मैं खुद जो है पूरी तरह से रियलाइज नहीं हो जाऊं। तो ये सिर्फ महाराज के मुंह से मैंने सुना है, क्योंकि उन्होंने एक प्रवचन में सब बोलते बोलते ये भी बोल दिया, मैंने वो पकड़ लिया प्रवचन का वो लाइन,
जो आप लोग के साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ध्यान रखिए, राधानाथ महाराज एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सामने से बोल चुके हैं कि मैं साक्षात्कार कर चुका हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है। तो ऐसे भक्त के संग में हैं हम। तो आज के दिन थोड़ा हमने प्रवचन आगे ज्यादा बता दिया, समय थोड़ा ले लिया, पर आज दिन भी मुख्य है, महाराज का अतिथि के हिसाब से उनका प्राकट्य दिन है। तो आइए सब लोग मिलके हाथ जोड़ के प्रार्थना करें राधानाथ महाराज का, जिसका हमें संग है, कि हम शुद्ध भक्ति कर सकें, भक्तों की सेवा कर सकें, जीवन भक्तों का दास में दास बने रहें। और जैसे महाराज बताते हैं कि अगर हमें नाम में आकर्षण आ जाए तो हम भौतिक चीज के किसी भी चीज में आकर्षण हमें नहीं होगा, और हमारे जीवन में कुछ भी आएगा हम विचलित नहीं होंगे। तो वही आकर्षण हमें वैष्णव के सेवा के प्रति, हरिनाम के प्रति, भागवत के प्रति आए, और हम जो है शुद्ध भक्ति कर सके। तो आज रात को 8 बजे लाइव रिले है राधानाथ महाराज का अमेरिका से, उनके तिथि के इस पे जो यूट्यूब में भी अवेलेबल रहेगा। तो तुलसी विलास प्रभु को मैं एक वीडियो रिक्वेस्ट करूंगा दिखाने के लिए, और ये वीडियो देख के हम लोग आज का प्रोग्राम एंड करेंगे। ये राधानाथ महाराज का एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग बनाया हुआ है, तो जिन भक्तों को रात को सुनना है 8 बजे में तो जरूर सुन सकते हैं। वॉल्यूम कर लीजिए आप लोग अपने मोबाइल का, और हाँ प्ले करें प्रभु। तुलसी विलास प्रभु, तो सब लोग 8 बजे यूट्यूब में जरूर जुड़ जाइएगा। तुलसी विलास प्रभु आप लोग को शायद कनेक्शन भी दे सकते हैं, जो महाराज का प्रवचन है आज 8 बजे, तो सब लोग उसमें आइए और भाग लीजिए। बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।